financial system and procedure. 13 नहीं 14 पे तुम्हारे पे 13 पे हमें 13 नहीं 14 पे financial system and procedure. So ये जो chapter है तुम्हारा this is kind of linked with जैसे हमारा होता है ना information system, computers, computer system ये उससे related है. जैसे example में तुम्हें बताता हूँ normally for example अगर मेरी एक manufacturing company है ठीक है so manufacturing company में एक मैं एक procedure बताता हूँ sales का. जैसे for example माल जब मैंने customer को भेजा या मेरे पास order आया जैसे ही order आया मैंने वो अभी अपने system में input नहीं करा. जैसे ही मैंने चीज बनानी start कर दी मैंने अपने system में information डाल दी कि वो चीज मेरी processing में आ गई. उसके बाद जैसे ही वो माल finished goods में बन गया एंड वो customer को चला गया उस टाइम पे मैंने सेल्स की एंट्री करी और जैसे ही मैंने सेल्स की एंट्री करी तो मेरा जो स्टॉक था कंप्यूटर के अंदर वहां से वो जो स्टॉक था वो डिडक्ट हो गया कि ये वाला माल सेल हो चुका है. सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्रोसीजर दैट इज अ काइंड ऑफ सिस्टम. सो ये जो चैप्टर है दिस चैप्टर इज लिंक्ड विद दीस काइंड ऑफ सिस्टम्स जो हमारे होते हैं फाइनेंशियल सिस्टम सेल सिस्टम परचेज सिस्टम इन्वेंटरी सिस्टम ऐसे सिस्टम्स के बारे में चैप्टर में बता. तो मैं एक टॉपिक इसका पढ़ते हैं. तो सबसे पहले आता है हमारा ओवरव्यू ऑफ सिस्टम्स. अकाउंटिंग सिस्टम्स लेज डाउन प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस दैट रिफ्लेक्ट द कंपनी पॉलिसीज दे आर एक्सप्लेन बिलो. सबसे पहला हमारा है सिस्टम. व्हाट इज अ सिस्टम? अ ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बट इंटररिलेटेड एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ यूनिफाइड एज अ होल द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जेक्टिव. जैसे मैंने बताया था सेल्स का कि मेरे को अपनी बुक्स में एंटर करनी है सेल्स जैसी मेरी सेल्स की एंट्री हो. सो उसका जो मैं प्रोसीजर बनाऊंगा सारे स्टेप्स होंगे दैट इज कॉल्ड सिस्टम. जैसे कंपनी में क्या होता है परचेज डिपार्टमेंट अलग है सेल्स डिपार्टमेंट अलग है ये सारे डिपार्टमेंट अलग अलग है इन्वेंटरी डिपार्टमेंट अलग है जो इन सारी चीजों का ध्यान रखती है कितनी इन्वेंटरी हमें चाहिए कितनी नहीं चाहिए. बट ये सारे जितने भी मेरे फंक्शन है These are independent function. सबका अपना काम है but they are interrelated. ये सारे एक दूसरे से related है. So system क्या होता है? कोई बोला? So system is a group of independent but interrelated elements comprising as a unified as a whole the process of obtaining an objective. अब policy क्या होती है? Policy अगर तुम्हें याद होगा 12th में पढ़ी थी पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस यार. सो पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज अ गाइडिंग प्रिंसिपल. गाइडिंग प्रिंसिपल मींस काम करते हुए क्या क्या फॉलो करना है. काम करते हुए क्या क्या चीजें फॉलो करनी है दैट इज गाइडिंग प्रिंसिपल. ठीक है कि हमें ये काम करना है हमें ये चीजें फॉलो करनी है. इसके बाद आता है प्रोसीजर. प्रोसीजर मींस किस तरह से हमें काम करना है. प्रोसीजर आर स्टेप्स टू डू वर्क या सीरीज ऑफ एक्ट एंड अ सेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स जिससे हमें काम करना है. सो प्रोसीजर इज काम कैसे करना है कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हुए हमें काम करते हुए. इसके बाद आता है गाइडलाइन. गाइडलाइन होता है अ रेकमेंडेड अप्रोच फॉर कंडक्टिंग अ टास्क. तो गाइडलाइंस मतलब हर चीज के लिए गाइडलाइंस बनी होती है. जैसे प्रोसीजर का होता है कि ये स्टेप्स है गाइडलाइन होती है ये स्टेप फॉलो करते हुए इस चीज का ध्यान रखना ये स्टेप फॉलो करते हुए इस चीज का ध्यान रखना दैट इज कॉल्ड गाइडलाइन. सो गाइडलाइंस आर प्रिकॉशंस यू कैन से स्टेप्स फॉलो करते हुए चीजों का ध्यान रखना दैट इज गाइडलाइन. सो हमारे चार टर्म्स आगे सिस्टम पॉलिसी प्रोसीजर एंड गाइडलाइन. इसके बाद हमारा आता है ये इलस्ट्रेशन है एक बार पढ़ लेना चलो मैं बहुत सी इलस्ट्रेशन पढ़ा देता हूं. XYZ Limited has developed a new sales system. Its policy is to process the sales order from customer efficiently and to dispatch the goods within 2 days.
मतलब अगर आपने कोई सेल करी है तो दो दिन के अंदर हमें अपने सिस्टम से गुड्स भेजने हैं। आगे द सिस्टम कंटेन्स प्रोसीजर फॉर द ऑर्डरिंग डिस्पैचिंग इनवॉइसिंग यानी बिल बनाना, इनवॉइसिंग का मतलब होता है बिल बनाना, एंड रिसीट ऑफ पेमेंट ऑफ गुड्स टू एंश्योर पॉलिसी इज फॉलो। सो कुछ स्टेप्स बने हुए हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे, जैसे पहले किस तरह से माल ऑर्डर करना है, ऑर्डर करने के बाद किस तरह से हमें अपना स्टॉक डिस्पैच करना है, डिस्पैच करने के बाद बिलिंग कब होगी, बिलिंग होने के बाद पेमेंट जब आ जाएगी तो पेमेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है। सो हमने पूरा उसका सिस्टम बनाया। जैसे अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं, एक क्लास का आपने सिस्टम क्या बनाया हुआ जो मतलब कई बार फॉलो होता है कई बार नहीं होता, सिस्टम क्या है कि जब तुम क्लास में आओगे पहले 15 मिनट हम क्वेरीज देंगे एंड पूछने पुराने चैप्टर्स के वो जो क्वेश्चंस करें वो देखेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा उस चैप्टर के कप्लान की टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो दीज आर हमारा सिस्टम जो सिस्टम बनाया, ठीक है। इट ऑल्सो हैज गाइडलाइंस ऑन असेसिंग द क्रेडिट वर्थिनेस ऑफ न्यू कस्टमर। अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई नया कस्टमर है, नए कस्टमर को कभी भी हम स्टॉक उधारी में नहीं बेचेंगे, हमेशा कैश में बेचेंगे। सो इन्होंने कुछ सिस्टम बनाया हुआ है जिससे हम ये देख सकते हैं कि इस कस्टमर को उधारी पे माल देना है या नहीं देना। लाइक फॉर एग्जांपल उस सिस्टम में हमें पता चला कि जो ये बंदा है जिसको हम उधारी पे माल सेव कर रहे हैं उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उस बंदे ने ऑलरेडी बहुत सारा सामान उधारी में लेता है और वो टाइम पे पेमेंट कर देता है। तो उसका जो हमने गाइडलाइंस चेक करी, गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें लग रहा है कि ये बंदे को हम क्रेडिट दे सकते, या फिर जैसे मैंने गाइडलाइंस रूल्स बना दिए कि अगर बंदा नया नया है तो उसको 1 लाख से ऊपर का लोन नहीं देना या $1,000 से ऊपर का नहीं देना सामान क्रेडिट में। अगर वो बंदे के साथ ऑलरेडी सेल हो चुकी है हमारी, एक सेल हो चुकी है, तो उसको मैक्सिमम 1500 का माल देना उधारी पे, और अगर वो हमारा रेगुलर कस्टमर है तो उसको हम $5,000 तक का सामान दे सकते हैं। इस तरह से हमने गाइडलाइंस बना सिस्टम का बेसिकली राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास परचेज है, सेल्स है, मार्केटिंग है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन। Those functions are independent, सबका अलग-अलग function है, but those are interrelated, जो एक ही system में, एक ही software में जिसकी entries करते हैं। Have you heard about tally? Yes. Tally के अंदर क्या होता है? ये अलग purchase की अलग tally थोड़ी होती है, sales की अलग tally थोड़ी होती है, पूरे पूरा जो tally होता है, you are doing tally ना? Tally का course करी ना? शबनम? नहीं। तुम करी थी ना? तो tally के course में क्या होता है? Purchase की भी उसमें डलती है, सेल्स की भी उसमें डलती है, एंड वहीं से हमारा सारा स्टॉक इंटरलेटेड होता है। जब परचेज होगा तो स्टॉक बढ़ जाएगा, जब सेल होगा तो स्टॉक कम हो जाएगा। सो दैट इज द सिस्टम के ग्रुप ऑफ इंडिपेंडेंट बट इंटरलेटेड एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑफ अ यूनिफाइड अप्रूवल, अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एन ऑब्जेक्टिव। सो इस कंपनी में बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं ना? नहीं, कंपनी एक कंपनी हमेशा एक सॉफ्टवेयर होती है। हां, हर कंपनी एक सिस्टम फॉलो करती है, अंदर 10 सॉफ्टवेयर हो सकते हैं लेकिन सिस्टम एक रहेगा जिसके अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर सॉल्व होंगे। जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का अलग तरीका है, परचेज का अलग है, बट ऑन दी होल वो एक ही सिस्टम के अंदर है, ठीक है। इसके बाद अंडरस्टैंडिंग बना है, इसमें कुछ नहीं एग्जांपल है, इसकी बात कर लेना। अब आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ फॉर्मल सिस्टम, कि व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ सिस्टम। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ फॉर्मल डॉक्यूमेंटेड सिस्टम दैट स्टाफ मस्ट फॉलो विदिन द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी बिजनेस के हमारे ये सिस्टम्स होते हैं, इन सिस्टम्स की एक रिटन गाइडलाइंस होती है, वो रिटन गाइडलाइंस सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि जो स्टाफ है वो कभी सिस्टम बनाते थोड़ी है, दे आर फॉलोअर्स, दे फॉलो द सिस्टम। तो देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ फॉर्मल सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम, डॉक्यूमेंटेड मींस के रिटन है वहीं पे, डॉक्यूमेंटेड सिस्टम दैट स्टाफ मस्ट फॉलो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज इंक्लूड All transactions will be recorded in the same way and the required information will be recorded in correct basis. कि अगर हम एक formal system follow करते हैं, उससे क्या होता है? सारी transactions एक ही तरीके से हम system में डालते हैं। जैसे मैं, you all are my workers in my company. I have given you a system, a guideline, a written document जिसके अंदर लिखा है कि किस तरह से आपको system में transaction करनी है, ठीक है? तो तुम सारे उसी तरीके से transaction करोगे, तो that means चाहे ट्रांजेक्शन अलग अलग हो बट यू ऑल विल राइट दैट इन सेम मैनर, दैट इज हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, द बेस्ट प्रैक्टिस मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन कैन बी अडॉप्टेड बाय एवरीवन। अगर मैं कोई सिस्टम बना रहा हूं
If I am following a system, तो हो सकता है मेरे सिस्टम में कोई छोटा मोटा फॉल्ट हो, नया शॉर्टकट भी हो, नया कोई और तरीका भी हो उसको काम करने का। तो उस केस में क्या होगा, यू कैन से वर्कर्स कैन से सर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो। सो मैं क्या करूंगा, जो मेरा डॉक्यूमेंट था उसमें वो प्रोसीजर चेंज कर दूंगा और इजी वाला डाल दूंगा। सो दैट इज द बेस्ट प्रैक्टिस, बेस्ट तरीका होगा जो काम करने का, सारे इसी तरीके से काम करेंगे बिकॉज यू ऑल आर डूइंग द वर्क इन सेम मैनर। ऐसा नहीं है वो अलग कर रहा है वो अलग कर रहा है वो अलग कर रहा है, एवरीवन इज डूइंग द वर्क इन सेम मैनर। थर्ड, स्टाफ कैन रेफर टू द रिटन प्रोसीजर इफ दे आर इन डाउट एज टू व्हाट टू डू। अगर उनको नहीं समझ आ रहा क्या करें, सो दे डोंट नीड टू वरी, दे हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट विद देम जिसमें दे कैन रीड एंड डू द वर्क अकॉर्डिंग टू व्हाट इज रिटन इन दैट डॉक्यूमेंट। क्लियर है? इसके बाद आएगा न्यू स्टाफ कैन बी ट्रेन्ड मोर क्विकली। नया कोई स्टाफ आता है उसको इजीली ट्रेन कर सकते हैं बिकॉज़ वी हैव अ रिटन डॉक्यूमेंट। उसको रिटन डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पहले समझा देंगे, देन वी विल से कि यू हैव द रिटन डॉक्यूमेंट, यहां से तुम पढ़ना स्टार्ट कर दो एंड काम करना स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, द ऑडिटर्स कैन फॉलो ट्रांजैक्शंस मोर इजीली इफ दे आर रिकॉर्डेड इन सेम वे। ऑडिटर्स आर द पीपल हु चेक द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। सो अगर कंपनी के रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली लिखे गए हैं तो ऑडिटर भी सिस्टम से चेक कर सकता है वो कहीं भी बीच में फंसेगा नहीं। ठीक है, ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर्स which could be error fraud may be identified more easily. अगर तुमने से कोई एक बंदा किसी और तरीके से ट्रांजेक्शन कर रहा है, बैठो, अगर तुम्हें से कोई एक बंदा किसी और तरीके से एंट्रीज कर रहा है, ट्रांजेक्शन कर रहा है, तो वो बहुत इजीली ट्रेस हो सकती है क्योंकि तुम्हें तो वो तरीका आता है, तुम्हें तो इजीएस्ट वे पता है, वो बंदा अपने तरीके से काम कर रहा है। तो उस चीज जैसे अगर इफ आई गिव एन एग्जांपल, तुम्हें जर्नल एंट्रीज पता है, फॉर एग्जांपल मुझे कैश आया रमेश से, so what will be the journal entry? Cash account debit to Ramesh, debit cash credit Ramesh. अगर मैं बोलूँ मैं लिखूँ cash account debit credit करूँ cash in hand, next entry करूँ cash in hand debit credit करूँ Ramesh, ultimate तो बात भाई नहीं। अगर मैं तुम्हें entry करके दिखाऊँ, first entry जो मेरी entry होनी चाहिए that is cash to Ramesh, debit cash credit Ramesh। घबराना मत, procedure देखिए ACCA का procedure, हमारे अकाउंट में अलग होता है, यहाँ पे अलग होता है, डेबिट क्रेडिट सेम रहेगा, सिर्फ फॉर्मेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। सो अगर मैं इसका एक दूसरा तरीका देख लूं, उस बंदे ने क्या किया, डेबिट कैश क्रेडिट कैश इन हैंड एंड उसके बाद उसने करा डेबिट कैश इन हैंड क्रेडिट रमेश, तो ऑल दो ये दोनों कट गए बट स्टिल एंट्री तो अलग हुई है ना। तो अगर कोई बंदा ये सिस्टम फॉलो कर रहा है, तुम सारे ऐसे कर रहे हो और सोचो प्रेरणा ऐसे कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, हम उसको पकड़ सकते हैं कि ये एंट्री प्रेरणा कर रही है, गलत। सो दैट इज पॉइंट है कि ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर व्हिच वुड बी एरर और फ्रॉड मे बी आइडेंटिफाइड मोर इजीली। ठीक है, उसके बाद एक पैराग्राफ एक प्लेन रीड कर लेते हैं, कुछ खास नहीं इसमें। इट इज पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट टू हैव फॉर्मल पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इन प्लेस व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस such as solicitors or banks handle money on behalf of their customers. As this money does not belong to the business, it is vital to have controls in place to help prevent the loss of client's fund, either through fraud, theft or accidental loss. Should such losses occur, it would damage the organization's reputation as well as potentially having legal implications. Simple meaning kya hua hai, is tarah se kya matlab hai, explain karo mereko, fir main bataunga जो मैंने पढ़ा इसे क्या समझ आया। सो रहे थे क्या सारे? इस पैराग्राफ से यह समझ आया कि कंपनी के अंदर ये सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एग्जाम्पल, अगर कोई बैंक है, बैंक जो कस्टमर का पैसा लेता है, हम अगर बैंक में जाकर पैसे जमा कराते हैं, डिपॉजिट कराते हैं, वो पैसा बैंक का नहीं है, वो किसका है, हमारा। अगर बैंक के पास वो पैसा आया है तो बैंक के पास एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए कि वो पैसा ध्यान से रखे। अगर वो सिस्टम नहीं फॉलो किया तो पैसा वो गायब हो जाएगा। बंदा सामने कैशियर के पास इतने सारे नोट पड़े होंगे तो 500 का नोट ही निकाल देगा, किसको पता चलेगा। बैंक के अंदर शाम को कैशियर के जो उनका ड्रॉअर होता है, कैश बॉक्स होता है, उसमें इतना सारा पैसा होता है, सोचो अगर वो 500 का नोट भी निकाल ले तो किसको पता चलेगा, पता ही चलेगा। बट अगर सिस्टम होगा प्रॉपर तो पता चल जाएगा। कैसे सिस्टम क्या होगा, मॉर्निंग में इतने नोट से टोटल डिपॉजिट अकॉर्डिंग टू सिस्टम इतने आए, इतने इतने नोट्स के आए,
तो एट द एंड ऑफ द डे अकॉर्डिंग टू सिस्टम इतने नोट्स होने चाहिए इतनी करेंसी, तो क्या होते हैं या नहीं, अगर है तो सही है, नहीं है तो मतलब नोट बीच में गायब। सो दिस इज अ सिस्टम, सो उसकी ये बात बता रहा है कि अगर फॉलो नहीं हुआ तो क्या होगा, उससे कंपनी की रेपुटेशन खराब होगी एंड कंपनी के ऊपर लीगल इंप्लिकेशंस भी आ सकते हैं, प्रॉब्लम हो सकती है कंपनी। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक इज डिजाइनिंग ऑफ अ फाइनेंशियल सिस्टम, कि फाइनेंशियल सिस्टम को हमें डिजाइन कैसे करना है। अब मैं तुम्हें बताऊं, जैसे बता रहा मैंने बताया था कि ये जो कैशियर का है, so if you are sitting in the bank, you are the person who is about to start a system, so what will you think before starting the system? पहले मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, किस चीज के लिए मुझे वो सिस्टम बनाना है, पहला टारगेट तो ये होगा। सेकंड होगा, अब मैंने सिस्टम बना दिया, उसके अंदर ट्रांजेक्शन क्या करने, किस तरह से ट्रांजेक्शन को एड करना, ठीक है। उसके बाद होगा आउटपुट, किस तरह से तुम चाहते हो तुम्हें उसका वो रिपोर्ट दिखे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलता हूं, तुम्हें मैंने बोला कि एक वो इफ यू आर सिटिंग एंड मैं तुम्हें बोल रहा हूं एक क्वेश्चन कर अकाउंट्स का, एंड तुम क्वेश्चन कर, अब तुमने सिस्टम बनाया, क्या सिस्टम है, ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्वेश्चन कंप्लीट करना, इनपुट क्या है, जो डेटा तुम्हें मैंने दिया हुआ है उसको लेके तुम ट्रांजेक्शन सारे एंटर करोगे, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट बनाओगे, वो बना के जो फाइनल बैलेंस शीट तुम्हारी होगी दैट इज द आउटपुट, जो तुम्हारी वो होगा एक रिपोर्ट, रिजल्ट या रिपोर्ट, ये हो गया तुम्हारा एक सिस्टम। सो डिजाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम, ईच सिस्टम इज मेड अप ऑफ अ सीरीज ऑफ प्रोसीजर, द सिस्टम डिजाइनर विल नीड टू फर्स्ट कंसीडर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम, द रिक्वायर्ड आउटपुट्स एंड द लाइकली इनपुट्स। टेकिंग अ सेल सिस्टम एज एग्जांपल, तो सेल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल सिस्टम, टू रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ सेल्स टू ईच कस्टमर एंड अमाउंट आउटस्टैंडिंग टू बी कलेक्टेड, कि मैंने सेल्स भी कर दी प्लस सिस्टम से मुझे पता चल जाए कि किस किस बंदे का कितना बैलेंस पेंडिंग है। अगर मैं देखना चाहूं अपने सिस्टम में जाके, सो मैं ये देख सकूं कि हाउ मच डेटर्स आर देयर जिनसे मुझे कुछ पैसे आने और कितनी मैंने टोटल सेल्स करी है। सो दिस इज व्हाट आई वांट टू सी, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माय सिस्टम। सो व्हाट विल बी द इनपुट्स, इनपुट क्या होगा, कस्टमर प्लेस ऑर्डर्स बाय फैक्स एंड टेलीफोन, कस्टमर ने फैक्स या टेलीफोन से ऑर्डर दिया, वो जैसे ही ऑर्डर देगा वो ऑर्डर में सिस्टम में एंटर कर दूंगा, दैट इज माय इनपुट्स। ठीक है, आउटपुट क्या होगा, एनालिसिस ऑफ सेल्स बाय डेट एंड प्रोडक्ट टाइप, अ रिपोर्ट शोइंग अमाउंट ओइंग फ्रॉम रिसीवेबल्स एंड हाउ लॉन्ग आउटस्टैंडिंग। रिपोर्ट आउटपुट क्या है, तुम्हारे पास एक रिपोर्ट आई कि आज तक कितनी तुम्हारी सेल्स हुई है, कितना पैसा आया है, कितना तुम्हारे को खर्चा हुआ है, और एक हमारे को डिटेल पता चली के कितने डेटर्स ऐसे हैं, रिसीवेबल ऐसे हैं जिनसे पैसे आने हैं और कितने दिन पुराने हैं, ये डेटर है इसको 100 दिनों के पैसे दिए हुए, ये डेटर है इसको 200 दिनों के पैसे दिए हुए, दैट इज हमारा आउटपुट। सो दिस इज हाउ आवर सिस्टम इज डिजाइन। ठीक है, क्लियर तुमको, सबको समझ आ रहा है, ठीक। एक बार तुम अपनी बुक दिखाना, ये है ना तुम्हारी बुक, ठीक। इसके बाद तुम्हारा आगे आता है, the designer then needs to consider the most likely sequence of events from inputs to outputs, ki humne ye to dekh liya ki input kya hai jo hume customer ne detail diye ki ye sales purchase ye mere ko saman purchase karna hai, but us cheez ko main system mein kaise record karunga, like procedure kya hoga mera, jaise humne padha tha na procedure steps to be followed, so wo kya honge, pehle kya hoga mere ko order receive hoga, order receive hone ke baad mere goods dispatch honge, डिस्पैच होने के बाद मैं कस्टमर को बिल भेजूंगा कि ये लो बिल, आपका गुड्स हमने आपको भेज दिया, हमें पैसे दे दो। बिल भेजने के बाद जैसे ही मैंने बिल भेजा उसको, उसके बाद ही मैं अपनी बुक्स में इसकी एंट्री करूंगा। ठीक है, ये करने के बाद कस्टमर से पेमेंट आएगी और अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैं उससे फॉलो अप करूंगा कि पेमेंट दे दूंगा। अब ये मैंने एक सिस्टम बना दिया, हर सेल्स के बंदे को मैंने ये सिस्टम प्रिंट करके दे दिया कि इस तरह से ट्रांजेक्शन करनी, जब कोई ऑर्डर आएगा ऑर्डर आने के बाद उसको गुड्स भेजोगे, जैसे ही उस बंदे को गुड्स मिल जाए साथ ही तुम उसको इनवॉइस भेज दोगे कि सर आपको ये गुड्स रिसीव हो गए हैं, ये रहा हमारा बिल और हमें पैसे दे दो। बिल भेजते ही जैसे ही मैं बिल उसको भेज दूंगा फैक्स कर दूंगा, करते ही मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर दूंगा कि मैंने ये सेल करी, सेल इज नॉट रिकॉर्डेड एट दिस पॉइंट, इट विल बी रिकॉर्डेड आफ्टर इनवॉइस। हां, परचेस के केस में, परचेज के केस में बिल्कुल अलग हो जाएगा क्योंकि वहां पे मैं पहले देखूंगा व्हाट इज रिक्वायर्ड बाय मी, उसके बाद कोटेशंस आएंगे, F3 में पढ़ा था ये,
याद है कोटेशन वाला तो सर ऐसे लोग उसमें भी कॉस्ट सही होगा ना सामान परचेस कर ले जब इनवॉइस भेजते हैं उसके बाद परचेज में क्या होगा जब इनवॉइस हमें रिसीव होगा तब हम एंट्री करेंगे कि मेरे को इनवॉइस आ गया और मैं बुक्स में एंट्री करूंगा परचेज ठीक है सो ये इसने सेल्स का सिस्टम बना दिया कि जैसे ही हमने इनवॉइस भेजा तभी हमने बुक्स में एंट्री करी एंट्री करने के बाद उसने कस्टमर ने पेमेंट भेज दी और अगर पेमेंट नहीं भेजी तो हमने उसको फॉलो अप करा पेमेंट के लिए क्लियर है पॉइंट कोई डाउट है किसी को चलो अब इसके बाद ये बताया हुआ है सर हां सर बट हम लोग सेल रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं जब तक पेमेंट आई नहीं है या अक्रूअल बेसिस अकाउंट्स अक्रूअल बेसिस ठीक है सो अक्रूअल बेसिस जिस दिन सेल्स होगी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे और सेल्स होती कब है जब हम इनवॉइस भेजते पैसे भले ही बाद में ठीक है अब आगे For each step in the system, a procedure is then designed using the same format as for the system. The designer should also consider what could go wrong and incorporate controls in the system to try to prevent such errors. Simple hai, kuch baat nahi hai. Let us consider this for the ordering stage of the system. Jab customer se order aaya, pehle sign kar lo sare ko. Thank you.
देख 5.3 पे है ठीक है 5.3 है ये कौन क्या बोल रहे हो देख मैं मैसेज ले कह रहा हूं कि बोल के कंफर्म कर लियो कि मुझे ज्यादा चार्ज के कैसे देख 245 बोल रहा है टोटल 546 पे है 546 ठीक है मतलब 550 लगा देगा 550 आगे पीछे तो डिवाइड बाय 2 नहीं है सर एफपीएम पीडीएफ के साथ चलता है पीडीएफ में इन्होंने पेजेस लगे वही हो गया ना एक पेज में 90 हो गया ना बात वही हुई ना एक पेज आगे पीछे 90 हो गए लेकिन सर तो पीडीएफ में जितने पेज थे उसके हिसाब से पढ़ा जाए वही फोटो देखिए ये है एक आगे पीछे अगर पीडीएफ में 202 पेज है पीडीएफ में 2 पेज है तो 2 पेज क्या होगा एक आगे पीछे और नहीं सर ये हुई है अरे तो मैं तेरे को सुनना चाहता कि ऐसा नहीं है कि आगे पीछे के बोले थे वो सिंपल इधर तेरे 90 वैसे तो और एक कंप्लीट पेज ये हुआ ना 90 वैसे को कंप्लीट पेज देखा इसलिए वो 90 वैसे है क्यों अगर इसमें 2 पेज है मैं 2 पेज का प्रिंट हुआ आगे पीछे भी नहीं है और उसको बोले थे 90 वैसे यानी 45 तो ये चीज है ऐसा नहीं 45% मैं वो एक में आप इसको 45% कैसे बोल सकते पॉसिबल ही नहीं है 45 को बोला और 45 उसने 45 बोला है वन साइड ना ना सर बैक टू बैक है तो वन साइड तो क्या है ये देखो अगर बैक टू बैक कर रहा है बैक टू बैक कर रहा है कितने भेजे टोटल पांच ये 6.5 भेजे 600 भेजे 600 भेजे तो 600 का इस पे अगर वो 45% लेता है पेजेस टोटल कितने लगा पेजेस 300 लगे पेजेस तो 300 लगे तो अगर वो 45 पैसे पर पेज बोल रहा है तो 345 पर 120 रुपए बता है उसने क्या करे जितने टोटल पेज है 600 उसने 600 के अकॉर्डिंग ही 45 कर दिया मींस क्या हुआ कि अगर उसने एक साइड का 45 पैसे एक साइड का 45 हो गया ना तो आगे चीज कितना बनाएगी सर अरे मैं तो नहीं कर रहा कि जैसे अगर कोई है ठीक है मार्केट से भी सस्ता है मार्केट में तो 2 रुपए रहे वो फिर भी ठीक है मैं तो कह रहा हूं कि ये भी थोड़ा ये भी बेटर है यहां तो इसकी भी ज्यादा रेट नहीं है सर एक ऊपर 250 भी इतनी हुई है 290 और दो को फिर ये सर हमारे की फोर की है दो वो मेरे पास अच्छा तो मेरे को दो अलग अलग पास है हां ठीक है बढ़िया है बॉक्स ठीक है मैं कुछ और ही कह रहा गलत मैं कह रहा हूं तू बस जिस गलत टाइमिंग में ना वो ठीक कर दो कल को कोई और बच्चे तो कहते पढ़ लिया सेकंड लाइब्रेरी है मैं कह रहा हूं पीडीएफ के हिसाब से पैसे दे उसको बोल दे कोई भी पूछे ना आगे से 45 पर साइड है पर पेज नहीं पर साइड ठीक है ना चल भाई लेता है अब स्टार्ट भी 1 रुपए से कम में पढ़ाई हां वो तो है ही नहीं पढ़ने को तो बहुत बहुत नहीं पढ़ रहा है चलो इसके बाद आता है अब आगे हमारा आता है डिजाइनिंग फाइनेंशियल सिस्टम हो गया हमारा अब इसके बाद हमने देखा था ये हम पढ़ रहे थे कि अब हम इस पूरे सिस्टम का एक और छोटा सा पार्ट है उसका प्रोसीजर देखते हैं एग्जांपल लेट अस कंसीडर दिस फॉर ऑर्डरिंग स्टेज ऑफ द सिस्टम कि अगर सिर्फ ऑर्डरिंग स्टेज है जब कस्टमर से ऑर्डर आया उस स्टेज के क्या सिस्टम होंगे जैसे दीज आर डिफरेंट स्टेजेस ये पूरा क्या हो गया मेरा सिस्टम सो दिस होल इज माय सिस्टम और ये सारे क्या है मेरे स्टेजेस सो अब हमने सिस्टम तो पूरा बना लिया अब हर स्टेज के लिए सिस्टम बनेगा तो देखते हैं पहले ऑर्डरिंग स्टेज के लिए सिस्टम क्या बनाया हुआ है ऑर्डरिंग स्टेज के मेरे ऑब्जेक्टिव क्या होगा सिस्टम बनाने के टू रिसीव एंड प्रोसेस द ऑर्डर्स क्विकली कि जैसे ही ऑर्डर आए साथ ही प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाए और काम स्टार्ट हो जाए अब ऐसा ना हो कि ऑर्डर में वो आया रहे और अभी मैं माल भेज ही ना पाऊं So that is my system के to receive and process the orders quickly and accurately to ensure that goods are only dispatched where amount charged will be collectible. मतलब अगर मेरे को order आ गया जैसे जो export का काम करते हैं उनके लिए system बहुत जरूरी होता है क्यों जो लोग export करते हैं ना उनको बहुत सारे orders आते हैं कई बार वो orders China से Canada से UK से Australia से बहुत जगह से order आ रहे हैं लेकिन वहां के जो लोग उससे बड़े ढील होते हैं जैसे मेरे नाना जी थे मेरे नाना जी का हैंड टू का एक्सपोर्ट का बिजनेस था एक्चुअली सो जब मैं वहां पे बैठता था तो नाना जी कहते थे चाइना से ऑर्डर आया हुआ 10 करोड़ उनका वो होता था कि 10 करोड़ दरिया चाहिए भाई 10 करोड़ दरिया बेवकूफ बना रहे हो क्या 10 करोड़ दरिया मंगा रहे हो पैसे कैसे दोगे उनको बोलो एडवांस दो नहीं जब माल पूरा आ जाएगा तभी हम भेजेंगे 10 करोड़ दरिया मतलब तुम लगा लो 1000 करोड़ का माल हम भेज रहे हैं बिना एडवांस दिए
बेवकूफी क्या होगी, इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ फेक है, वो टाइम पास कर रहे हैं, वो मार्बल लेके पैसे देंगे, वो झूठ बोल रहे हैं लोगों। सो दैट इज हमें ये इंश्योर करना है ऑर्डरिंग स्टेज पे कि हम उसी बंदे का ऑर्डर फुलफिल करें जो हमें पैसे दे पाए, जहां से हमें लग रहा है कि पैसे आ जाएंगे। जिस बंदे को हमने पहले 10 बार सेल करी हुई है और आज तक उसने पैसे नहीं दिए, उसको माल हम ना भेजे, ये चीज ठीक है। अब ये सिस्टम क्या होता है, वैसे तो मुझे नहीं पता होता किस बंदे को माल भेजना, इस बंदे को नहीं भेजना, बट कई बार क्या होता है, सिस्टम क्या बनेगा, जैसे एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, वो तुमसे माल परचेज करती है और उसने 10 सेल्स करी है तुमने उसको, अभी तक उसने पैसे नहीं दिए, तो क्या होगा, सोचो एबीसी लिमिटेड की एक सब्सिडियरी कंपनी है, छोटी कंपनी है बीसीडी लिमिटेड, वो बीसीडी से तुम्हें ऑर्डर कर देंगे कि चलो फेक मंगा लेते। अब तुम अगर कोई सिस्टम नहीं होगा, ये तो नई कंपनी है, लेकिन अगर सिस्टम होगा, सिस्टम में तुम क्या चेक करोगे कि दोनों कंपनीज के डायरेक्टर्स कौन कौन है, भाई डायरेक्टर्स उसे ही नहीं है, मतलब ये दूसरी कंपनी से ले रहे हैं, इन्होंने यहां से भी पैसे नहीं दिए, तो उनको माल नहीं भेजे, ये हमारा है ऑब्जेक्टिव। इसके बाद आएगा इनपुट्स, इसमें इनपुट्स क्या होंगे, इंस्ट्रक्शन टू डिस्पैच डिपार्टमेंट टू डिस्पैच गुड्स, इंस्ट्रक्शन टू अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू इनवॉइस। अब इसमें आउटपुट क्या होगा, ऑर्डरिंग स्टेज का मेरा आउटपुट क्या होगा, जैसे ही ऑर्डर आया और कंफर्म हो गया, साथ ही में क्या करूंगा, डिस्पैच डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि ये माल का ऑर्डर आया हुआ, ये माल निकालना तैयार है, और सेल्स डिपार्टमेंट को बोलूंगा कि ये माल है डिस्पैच होने वाला है, जैसे ही माल उसको पहुंच जाएगा तो अपना बिल बना के उसको बेच दियो, दैट इज माय आउटपुट। इसके लिए इनपुट क्या होगा, कस्टमर का फोन या कस्टमर का ईमेल या कस्टमर से कुछ मैसेज आया हो कि मुझे कितना माल चाहिए, सो दैट इज टेलीफोन कॉल फैक्स ईमेल, ये होगा इसके लिए इनपुट। अब व्हाट कुड गो रॉन्ग, इस सिस्टम में क्या क्या गलत हो सकते हैं, पहला डिटेल्स ऑफ ऑर्डर्स मे बी लॉस्ट, कि अगर कस्टमर से फोन पे बात हुई है, मैंने वो बात कर रहे थे, मैंने पेज पे लिख रहा था, वो पेज मिसप्लेस हो गया, दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। सेकंड, डिटेल्स ऑफ ऑर्डर मे नॉट बी पास्ड टू डिस्पैच और इनवॉइसिंग, हो सकता है ऑर्डर आया 15-20 ऑर्डर आ गए, जैसे कई बार होता है रेस्टोरेंट्स में टेलीफोन आता है खाने का ऑर्डर, ये चाहिए वो चाहिए, अब 10 में से वो 9 तो भेज देते हैं, वो एक आधा माइंड स्किप हो जाता है, वो पर्ची इधर-उधर हो जाती है, तो ना वो सामान खाना बनवाने वाले को दे पाए और ना बिलिंग वाले को दे पाए। उसके बाद ऑर्डर में भी प्रोसेस फ्रॉम कस्टमर हु इज अनेबल टू पे, अगर सिस्टम सही नहीं है तो हमें उसको भेज देंगे जिसके से पैसे कभी नहीं आने, सो इसीलिए हम प्रॉपर सिस्टम बनाएंगे ताकि ये गलतियां ना हो, समझ आया सिस्टम। सो अ प्रोसीजर विल देन बी डिजाइन टू रिसीव रिकॉर्ड एंड प्रोसेस द ऑर्डर व्हिच अचीव्स द अबव ऑब्जेक्टिव एंड हैज कंट्रोल्स टू प्रिवेंट थिंग्स डूइंग रॉन्ग। अब आगे अंडरस्टैंडिंग टू है, इसका तुम्हारा ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आने हैं, ये सब सिस्टम के अंदर सब सिस्टम है, हां ये एक सिस्टम जो था ये पूरा सिस्टम था, सिस्टम का जैसे उसका एक पार्ट था स्टेज, हां ये पूरा सिस्टम था, हमने पूरा सिस्टम बना दिया, अब हर सिस्टम का जो एक स्टेज है उस स्टेज के लिए क्या फॉलो करना है वो चीज हमें देखो, वो भी सिस्टम में बोला जाएगा, यू कैन कॉल इट अ डिपार्टमेंटल सिस्टम, नॉट अ कंप्लीट सिस्टम, अ डिपार्टमेंटल सिस्टम, सो सिस्टम विद इन अ सिस्टम, इट्स अ सिस्टम विद इन अ सिस्टम। अब तुम्हारा जो अंडरस्टैंडिंग 2 है दैट इज फिल इन द टेबल यूजिंग एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट एनरोलिंग फॉर एसीसीए कोर्स, ये जो तुम्हारा है पेपर में से क्वेश्चन नहीं आते, यू डोंट हैव टू टाइप समथिंग, सो यू कैन स्किप दिस, ठीक है अभी के लिए। आगे वी विल नाउ गो ऑन टू कंसीडर सेवरल की फाइनेंशियल सिस्टम्स दैट ऑपरेट विद इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, की ऑर्गेनाइजेशंस में कौन-कौन से सिस्टम्स होते हैं, जैसे पहला होता है परचेज एंड सेल सिस्टम, हर एक में होता है परचेजिंग का पूरा प्रोसेस, सेल्स का पूरा प्रोसेस, पेरोल सिस्टम, पेरोल डिपार्टमेंट कौन सा होता है, क्या करता है, सैलरी देता है एम्प्लॉइज को, उनके लिए जो भी डिडक्शन वगैरह है उन सब का ध्यान रखता है, दैट इज पेरोल सिस्टम। कैश सिस्टम जो कैश का ध्यान रखता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसका डे टू डे वर्किंग के लिए जो पैसे चाहिए उसको मैनेज करना, कि आज मेरे पास कैश कम है, कल मुझे इतना खर्चा करना होगा तो इतना कैश चाहिए तो मुझे कैश निकाल के दो, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। लेकिन अगर ये वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट होगी तो पहले ही बता देगा कि देखो कल मुझे वहां से माल लेके आना है, वी नीड कैश, तो शाम तक या सुबह तक आज कैश अरेंज कर लेना, तो दैट इज द वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्लियर है, चलो इन्वेंटरी का भी करती है ना वर्किंग कैपिटल।
इन्वेंट्री इन्वेंट्री का भी मैनेज करते हैं. क्या मैनेज करते हैं कि इन्वेंट्री का लेवल कितना होना चाहिए. वर्किंग कैपिटल का मतलब बेसिकली ये कि तुम फालतू पैसा ना खर्च करो. तुमने इतना सारा स्टॉक लेके रख लिया, चाहिए इतना सा, तो वो सारा वेस्ट हो जाएगा. सो वो भी ध्यान रखना है कि सारा पैसा ऐसे स्टॉक में वेस्ट नहीं करो. दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट. अब आते हैं, अब जो हमने ये चार सिस्टम पढ़े, इन चारों सिस्टम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती है. फर्स्ट सिस्टम इज परचेजिंग सिस्टम. परचेजिंग सिस्टम क्या होता है? द मेन स्टेजेस इन परचेजिंग साइकिल. परचेजिंग में क्या क्या होता है? परचेजिंग में अगर तुमने कुछ माल परचेज करना है तो तुम क्या क्या स्टेप फॉलो करोगे? सबसे पहला तुम्हारा होगा रेक्विजिशन. सोचोगे क्या चाहिए, ठीक है? रेक्विजिशन मीन्स डिसाइडिंग व्हाट टू बाय, ऑर्डरिंग. अब तुम बाय करोगे, मैं भी डिटेल में करा दूंगी. पहले देखोगे क्या चाहिए, उसके बाद तुम ऑर्डर करोगे. ऑर्डर करने के बाद गुड्स तुम्हें मिलेंगे. जैसे ही गुड्स मिलेंगे वो बंदा तुम्हें इनवॉइस भेज देगा. इनवॉइस भेजने के बाद जैसे तुम्हें इनवॉइस आ गया, तुम अपने सिस्टम में एंट्री कर दोगे और एंट्री करने के बाद तुम उसको पेमेंट दे दोगे. दिस इज परचेजिंग सिस्टम. सो सबसे पहला होता है रेक्विजिशन. सो व्हाट इज रेक्विजिशन? स्टाफ डिसाइड्स व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज दे विश टू परचेज एंड प्रोड्यूस अ परचेज रेक्विजिशन. This is authorized by department supervisor and passed to purchasing department. The supervisor confirm करेगा कि हाँ मुझे इतना माल चाहिए और purchasing department को हम वो document दे देंगे कि ये चीजें चाहिए. अब इसका अगर practical करना हो, घर में क्या होता है? मम्मी पापा को बोलेगी market जा रहे हो, ये सामान लेके आओ. तो पहले मम्मी सोचेगी क्या क्या सामान मंगाना है. मंगाने के बाद वो जब confirm कर देगी, वो पापा को लिस्ट देगी, ये लो माल और market जाके लेके आओ. So that means मम्मी ने decide क्या करना है. वो डिसाइड करने के बाद उन्होंने पापा को माल भेज दिया और लिस्ट भेज दी कि ये सारा माल आपको लेके आना है. दैट इज रेक्विजिशन. उसके बाद आता है ऑर्डरिंग. ऑर्डरिंग मतलब अब माल, ये भी माल को ऑर्डर करना. सो परचेज डिपार्टमेंट प्लेसेस ऑर्डर्स विद सप्लायर्स, ऑब्टेन सेवरल कोटेशंस टू गेट मोस्ट कॉम्पिटेटिव प्राइस. नॉर्मली फॉरन में या इंडिया में भी बहुत सारी कंपनी ये चीज करती है. वो क्या करते हैं, वो सीधा सीधा माल ऑर्डर नहीं करती. वो पता है कि दोस्त है हमारा, वहां से मंगा लेंगे, ऐसे नहीं. वो क्या करती है, जैसे तुम मार्केट जा रहे हो, तुम्हें लैपटॉप लेना है, तुम क्या एक ही दुकान से लैपटॉप लेकर जाते हो या मोबाइल लेने, तुम 10 अलग अलग जगहों पे जाके कंफर्म करोगे कि कहां से सस्ता मिले. ऐसी कंपनीज करती है, वो अलग अलग सप्लायर्स को बोलेगी हमें ये माल चाहिए तो हमें बताओ आप ये सारा माल कितने का लोगे, ठीक है? उसके बाद जब मुझे काफी सारी कोटेशन आ जाएगी, उसके बाद मैं देखूंगा कि कहां से बेस्ट कोटेशन लेकर आई. तो दिस इज Several quotations will be received from different suppliers. Orders may be authorized, especially for a large amount. ठीक है? उसके बाद आएगा goods received. अब जब हमने वहाँ पे confirm कर दिया कि हाँ इसकी quotation best है, सबसे सस्ती है, यहाँ से हमें माल मंगाना है, then goods should be inspected to ensure that they are in good condition and quality is correct. उस बंदे से माल आ गया. माल आने के बाद इसका example जैसे तुमने कभी जब market से आ रहे हो, कभी देखा किसी जनरल स्टोर के बाहर एक कोल्ड ड्रिंक की वो ट्रक खड़ा होता है और वहां में एक बंदा नीचे खड़ा होता है पर्ची लेके. कभी देखा है कि किसी भी फैक्ट्री में जब ट्रक वाला होता है, ट्रक वाले के पास एक पर्ची वाला खड़ा होता है, वो क्या होता है, वो ये चेक करता है कि जो हमने माल मंगाया था क्या चलान तो नहीं. चलान अलग चीज होती है, वो जीएसटी वाले से नहीं होता है. नॉर्मली वो चेक करेगा कि क्या जितना माल मंगाया था उतना आया कि नहीं और क्या क्वालिटी सेम है कि नहीं. क्रॉस चेक करेगा कि क्वालिटी सेम है कि नहीं. अब कोल्ड ड्रिंक हमने मंगाई, उसने सारी एक्सपायर्ड दे दी साल पुरानी, तो वो चीज एक्सेप्टेबल नहीं है ना. सो दैट इज गुड्स रिसीव्ड शुड बी इंस्पेक्टेड टू एंश्योर दैट दे आर इन गुड कंडीशन एंड क्वालिटी इज करेक्ट. अ रिकॉर्ड शुड बी केप्ट फॉर गुड्स. क्या चीज? परचेज वाला देखेगा. इसके बाद बिफोर रिकॉर्डिंग इन अकाउंट्स चेक्स आर, सॉरी, अ रिकॉर्ड शुड बी केप्ट फॉर ऑल गुड्स रिसीव्ड. एक रिकॉर्ड भी अपने पास रखे. आगे इनवॉइस रिसीव. Supplier bills company for goods received. जैसे ही हमारे को सामान आ जाएगा और हम कंफर्म कर देंगे कि माल सही है, सप्लायर हमें एक इनवॉइस दे देगा. रेस्टोरेंट में गए, खाना खा लिया, खाना खाते ही हमारे टेबल पे पर्ची आ जाती है, हमें इनवॉइस आ जाता है. ऐसे ही कंपनी वाले हमें इनवॉइस भेज देंगे कि जो आपने माल मंगाया था वो आपको मिल चुके. नाउ यू हैव द इनवॉइस. बिफोर रिकॉर्डिंग इन द अकाउंट्स चेक्स आर मेड टू एंश्योर गुड्स वर रिसीव्ड एंड द प्राइस इज करेक्ट. मॉल में गए, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, टू ऑर्डर लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स, माल सामान ले लिया,
बिलिंग जब करने जा रहे हो, बिलिंग करने क्या होता है, वो तुम्हें एक पर्ची देंगे इनवॉइस की, ये सारा सामान होगा। कभी आज तक चेक करिए, कभी कभी नहीं करिए, कोई नहीं करता मुझे। मैं तुम्हें बता दूं हमले बहुत होते हैं। जैसे अभी मैं गया था मेट्रो, नाम सुने तुमने मेट्रो होलसेल, वॉलमार्ट सुना? वॉलमार्ट की तरह ही है चंडीगढ़ में मेट्रो, यहाँ पे दिल्ली में भी है, नोएडा में मेट्रो, वहां पे क्या होता है दैट इज अ होलसेल मार्केट एंड यू कैन बाय, वहां पे बहुत सारे आइटम हैं, मतलब एवरीथिंग यू विल गेट देयर। कपड़ों की ये बाकी सारे स्टोर्स होते हैं रिलायंस जैसे, जरूरत नहीं, ये तो बहुत छोटे छोटे, वो इट्स लाइक तुम ये लगा लो आधा सेक्टर होता है, वो इतना बड़ा होता है, और वहां पे तुम्हें हर चीज मिल जाएगी, मतलब जूते से लेके पूरी बॉडी तक के खाने के कपड़े, हर चीज। बिग बाजार का भी बिग, हर काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ एवरीथिंग, साइज थोड़ा, हां पेप्सी कोक मिरिंडा ये सब भी, जूते टीवी एसी फ्रिज कैमरे एवरीथिंग यू गेट। सो वहां पे क्या होता है, इट्स अ होलसेल मार्केट जहां पे सारे होलसेलर आके सामान लेते हैं और वो रिटेलर को बेचते हैं। जैसे कि फायर मेरी टेलर मेरी दुकान है, मैं कस्टमर को माल देता हूँ, तो मैं वहां से जाके होलसेल प्राइस पे माल ले लूंगा और कस्टमर को बेचूंगा। कस्टमर्स आर नॉट अलाउड टू गो देयर, दैट इज ओनली फॉर होलसेल पीपल, जिनकी शॉप्स है, जिनके पास जीएसटी नंबर है, और तो सेटिंग करके आओ तो मिल जाता। अब वहां पे मिनिमम ऑर्डर ही आपका 5,000 का होता है। अब सोचो एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल लेनी है मार्केट में 100 रुपए की, वहां से 80 रुपए की मिलेगी, जाके ले लो, ऐसे ही ले, मिनिमम 5,000 का ऑर्डर होता है, लिमिट है। ठीक है, सो अ पॉइंट क्या है कि वहां पे जब हम जाते हैं और वो भी इनवॉइस देते हैं, नीचे लिखा होता है इतना बड़ा अमाउंट, अब आते पी 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 करके इतना बड़ा बिल दे दिया, नीचे होता है इनवॉइस, हम कभी वो इनवॉइस चेक नहीं करते, बट उसमें बहुत कमी होते हैं। बेसिकली क्या होता है, वो बार को स्कैन करते हैं, वो जल्दबाजी में क्या करते हैं, दो बार स्कैन करते हैं, तो एक चीज दो बार आ जाती है। मैंने खुद किया था, मैंने ये 6 पैकेट लेके आता, मेरे उसमें 8 पैकेट आया, मैंने कहा ये तो मैंने 6 है, कहता नहीं 8 है, मैं कहा गिन ले, जब गिने तो 6 निकले, तो कहता सर वो बार को दो बार स्कैन हो गया, वहां से लगे, मैं कहा तेरी हंसी हंसी में मेरे पैसे निकल जाते। सो दैट इज समथिंग, जब हमारे को इनवॉइस आता है, हमें तो इनवॉइस रिसीव होगा, रिसीव हो गए हम वो चेक करेंगे इनवॉइस के सही है कि नहीं, और अगर सही है तो उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर देंगे, अपने सिस्टम में रिकॉर्ड कर देंगे। रिकॉर्ड करने के बाद हम उस बंदे को पेमेंट दे देंगे, जब भी पेमेंट देनी होगी, कितने दिनों आप पेमेंट देनी होगी, वो उसको पेमेंट दे देंगे। दैट इज हमारा परचेजिंग सिस्टम। अब ये जो चीज है परचेजिंग साइकिल, ये तुम घर से पढ़ लेना, ये परचेजिंग सिस्टम का प्रोसीजर है। किस तरह से सिस्टम बन सकते हैं। हो सकता है कोई कंपनी हो वो ऑर्डरिंग एक ही दुकान से करती हो, वो ये चीज करती ना हो कोटेशन वाली, तो ये तो होगा ही सीधा 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 प्रोसेस हो जाएगी। कई कंपनीज होती है वो पहले बिल भेज देती है या पहले एडवांस मंगा लेती है, अब इसमें एडवांस की बात ही नहीं, तो दैट इज इट डिपेंड्स। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है तुम्हारा, ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारने की यही होगा। पहली बात तो तुम्हें रट्टा मारने नहीं है, दिस इज ऑब्जेक्टिव, तुम्हें सिर्फ लॉजिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, चलो अब इसके बाद परचेजिंग साइकिल है, दिस इज योर होमवर्क, घर से पढ़ लेना, सेम चीज है उसी चीज को थोड़ा सा एडवांस करके बताया। ठीक है, अब टेक्स्चुअल अंडरस्टैंडिंग 3, ये भी सेम है, तुम्हें यू डोंट हैव टू डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, इसके क्वेश्चंस ये वाले मत करना जो तुम्हारे लास्ट में होंगे एंड जो तुम्हारे एग्जाम में होंगे वो करना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एसीसी में नहीं आते। ठीक है, अब जैसे हमने परचेज सिस्टम देखा है एग्जैक्टली सेम है हमारा सेल्स सिस्टम। सो द मेन स्टेजेस इन सेल्स साइकिल एंड इशू टू बी कंसीडर्ड आर एज फॉलोस। अब इसमें क्या हो सकता है सेल्स में, हाँ ऊपर उन्होंने वैसे एग्जांपल दिया था, ऊपर उन्होंने बताया था हमें कि उस सिस्टम में क्या क्या होगा, ऑब्जेक्टिव क्या होगा, इनपुट क्या होंगे और आउटपुट क्या होंगे। यहाँ पे बता रहे हैं सेल्स का सिस्टम क्या है, कैसे कैसे हम उसमें प्रोसेस करेंगे, पहले सेल होगी या पहले हमें ऑर्डर आएगा या क्या होगा, वो चीजें। ठीक है, सो सबसे पहले सेल सिस्टम में क्या होता है, रिसीविंग द ऑर्डर। सबसे पहले तुम्हें अलग अलग जगह से ऑर्डर आएंगे, कहां से, टेलीफोन से आ सकता है, फैक्स से आ सकता है, बंदा खुद आ सकता है कि मुझे ये सामान चाहिए, दैट इज ऑर्डर रिसीव। अ रिकॉर्ड शुड बी मेड ऑफ इनकमिंग ऑर्डर्स सो दैट चेक्स कैन बी मेड इफ दे हैव बीन प्रोसेस्ड और नॉट। जो भी ऑर्डर आया वो ऑर्डर का तुम्हें पर्ची लोगे,
जैसे एग्जांपल माइंड में रखना, तुम यू ओ रेस्टोरेंट एंड तुम्हारे को बहुत सारे ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं, तो ऑनलाइन बंदे ने कॉल किया ये सामान चाहिए, तुमने पेज पे लिखा और वो पेज ऐसे चिपका दिया, जिस जिसका ऑर्डर कंप्लीट होता है उसका पेज निकाल के तुम फाड़ रहे हो कि कंप्लीट हो गया, ऐसा ना हो कि चिपका रहे। दिस इज सिस्टम लाइक यू आर फॉलोइंग। तो फर्स्ट इज ऑर्डर रिसीव्ड। ऑर्डर रिसीव के बाद क्या होगा? ऑर्डर प्रोसेस। कैसे प्रोसेस होगा? जैसे ही तुम्हें वो पर्ची में तुमने लिखा, साथ ही बोलोगे ए बंटी चल जाके खाना बना, ये दो रोटी निकाल, ए जो भी नाम होगा एबीसी, जाके वहां से दाल लेके आ या दाल गरम कर, ये बना वो बना। दैट इज तुमने डिस्पैच डिपार्टमेंट को बता दिया कि ये सामान चाहिए। अ चेक शुड बी मेड टू एंश्योर दैट कस्टमर हैज वैलिड क्रेडिट अकाउंट एंड हैज ऑलरेडी पेड इन कैश। कि उसने किसी अकाउंट में एक क्रेडिट अकाउंट होता है उनका, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में चीज फॉलो नहीं होती, बाहर क्या होता है एक कॉमन अकाउंट होता है जहां पे हम चेक कर सकते हैं कि कस्टमर ने पैसे डाले हैं कि नहीं डाले। जैसे अगर मेरे को किसी कस्टमर से पैसे लेने या मेरे को किसी कस्टमर को सेल करनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर अ सेफ्टी व्हाट आई विल से कि यार मुझे अपनी बैंक डिटेल्स दे पहले। क्या तेरे बैंक में इतने पैसे हैं भी जो तू मेरे को दे देगा? बैंक में तेरे पैसे हैं नहीं और तू मेरे से करोड़ों का माल मंगा रहा है, पैसे कैसे देगा मुझे? So, उसके लिए अ चेक शुड बी मेड टू एंश्योर दैट कस्टमर हैज वैलिड अकाउंट एंड उसके अंदर कैश उसके पास पड़ा है। नेक्स्ट, अ चेक शुड बी मेड दैट गुड्स आर इन इन्वेंटरी। के सामान भी तो होना चाहिए हमारे पास। अब उसने फोन करके बोला सुबह सुबह कि मेरे को वो खानी शाही पनीर, सर सुबह सुबह की शाही पनीर मिलती, शाम को मिलती, मतलब इन्वेंटरी में नहीं। तो दैट इज चेक करना पड़ेगा कि क्या इन्वेंटरी में वो माल है। थर्ड, द ऑर्डर कंफर्मेशन मे बी सेंड टू कस्टमर डिटेलिंग द गुड्स विल बी डिस्पैच। जैसे ही हमें कंफर्मेशन हो गया कि माल हमारे पास सब कुछ है, मैंने खाना बना लिया फोन पे बोला हाँ जी सारा सामान हमारे पास है, आप ऑर्डर करके 20 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा। दैट इज ऑर्डर कंफर्मेशन सेंड टू कस्टमर। अब आता है गुड्स डिस्पैच। गुड्स डिस्पैच क्या हुआ? सो पहले हम लोग ये वाला ऑर्डर प्रोसेस, ये वाला, इसका है हम ये चेक करेंगे क्या कस्टमर के पास इतना पैसा है कि वो हमें माल रिसीव करने के बाद पेमेंट कर सके। अगर उसके पास पैसे नहीं है, गरीब आदमी घर से बैठ के काम कर रहा है, वो कैसे पैसे दे देगा? अब जैसे चाइना से मैंने बताया था 100 करोड़ 1000 करोड़ का ऑर्डर आया हुआ है पैसे, वो पैसे कहां से देंगे? कंपनी ऑनलाइन चेक करी, ऑनलाइन नहीं, वो कंपनी की नाम ही नहीं कहीं हुआ, तो कहां से वो पैसे दे देगा? मतलब वो फेक अकाउंट है। गलती से हम जोर जोश में आके उसको अगर माल भेज दें, ट्रैकिंग कर सकते किसको भेजे, ठीक है ना, वो चीज। अब आते हैं गुड्स डिस्पैच। गुड डिस्पैच क्या होगा? गुड्स आर सेंड टू कस्टमर, a document called dispatch note is produced which will be signed by the customer and confirming that goods were received in good condition. hum kya karenge jab maal customer ko bhejenge, jaise tumne khana customer ko bheja to saath mein tum ek parchi doge jisme customer sign karke dega ki ha goods jo aapne bheja hai wo sahi bheje, taki aisa na ho pehle wo receive kar le, use kar le aur baad mein bole ki maal khatam, wo pehle hi confirm kara le jaise receive hue ki maal sahi hai, ठीक है। उसके बाद आता है इनवॉइसिंग। अब उसने एक्सेप्ट कर लिया सब सही है, साथ ही हम उसको बिल भेज देंगे अपना फैक्स से ईमेल पे कि ये सर आपको माल मिल गया है और ये हमारा बिल है, इसके अकॉर्डिंग पैसे दे देंगे। नेक्स्ट आ जाएगा, जैसे ही हमने बिल भेजेगा उसको अकाउंट में रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके बाद हम उससे पैसे मंगाएंगे। पैसे नहीं दे पाए तो गुंडे भिजवाएंगे कि पैसे दे। ये है हमारा पूरा सिस्टम, दिस इज सेल्स सिस्टम। समझ आएगा? अब आते हैं, अब एक काम करते हैं, I'm giving you 5 minutes, एक बार पूरा रिवाइज करो निशिका, स्टार्टिंग से लेके फिर आगे, जस्ट 5 minutes।
ये रहा दे दिया था, सेल सिस्टम दे दिया था। अब सेल सिस्टम के बाद हमारा आता है क्रेडिट कंट्रोल। सो क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है, क्रेडिट कंट्रोल का मतलब क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। इट इज इंपॉर्टेंट, चलो मैं तुम्हें समझा देता हूं क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है। क्रेडिट कंट्रोल मींस के उधारी पे बार बार माल ना बेचो। अगर कोई बंदा पैसे दे सकता है तभी हम उसको माल सेल करेंगे। इफ द पर्सन, इफ द डेटर इज नॉट एबल टू पे द अमाउंट, देन वी वोंट सेल द प्रोडक्ट टू दैट कस्टमर। सो ये हमारा होता है क्रेडिट कंट्रोल। या फिर जैसे मैंने रूल बना दिया कि स्टार्टिंग में मैं किसी को उधारी पे माल नहीं बेचूंगा। जब एक दो ट्रांजेक्शन उसके साथ हो जाएगी कैश वाली, तब मैं उसको थोड़ा सा बोल दूंगा कि कितना तक मैं क्रेडिट कर सकता हूँ। उसके बाद जब वो क्रेडिट मैंने किया और उसे टाइम पे पैसे भेज दिए, देन मैं नेक्स्ट अमाउंट पे आया, मैंने अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा दिया। ऐसे करके मैंने सिस्टम बनाया। सो दैट इज दिस क्रेडिट कंट्रोल। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट अ कंपनी ओनली सेल गुड्स टू दोज हु आर एबल एंड विलिंग टू पे फॉर देम। फॉर सम बिजनेसेस सच एज फास्ट फूड आउटलेट, कस्टमर्स पे इन कैश और बाय क्रेडिट कार्ड, सो कंपनी इज अश्योर्ड ऑफ द पेमेंट। ठीक है, फॉर मोस्ट बिजनेसेस companies buy and sell on credit. जो normal companies होती हैं, manufacturing companies होती हैं, credit हर जगह चलते हैं। हमेशा goods जो होते हैं वो credit पे दिए जाते हैं। मैंने आई थिंक तुम्हें cycle बताया था। cycle क्या होता है? जैसे एक business cycle क्या चलते हैं? मैंने अगर किसी को माल sell किया B को, ठीक है? तो B मेरे को अभी पैसे नहीं देगा। B क्या देगा? Within 3 months मैं तेरे को पैसे दे दूँगा। और B क्या करेगा? ये माल आगे C को sell करेगा। जब सी से इसको पैसा आएगा, ये सी को बोलेगा कि 2 महीने में मेरे को पैसे दे। जैसे ही सी इसको पैसे देगा, वो ये पैसे मुझे देगा। ऐसे करके एक साइकिल चलता रहता है, ठीक है? सो फॉर मोस्ट बिजनेसेस कंपनीज बाय एंड सेल ऑन क्रेडिट, मीनिंग दैट दे पे फॉर गुड्स परचेज और रिसीव द पेमेंट देमसेल्फ फॉर सेल सम टाइम आफ्टर द गुड्स आर डिलीवर्ड। It is vital that a company only gives credit account after careful consideration of the likelihood of receiving the payment. कि अगर हम किसी को सेल कर रहे हैं तो हम पहले अपने आप को श्योर करेंगे कि हमें टाइम पे उसकी पेमेंट आ जाएगी। The credit controller will ask companies who wish to obtain credit to complete an application form and sometimes to give a reference form to the bank and existing supplier. The credit controller then sets a credit limit. Credit controller then sets a credit limit which will normally be quite low initially. Starting में जो limit होगी कम होगी, धीरे-धीरे वो limit बढ़ा दें। The credit controller also monitor which companies are late in paying and chase late payers when necessary. So credit controller क्या करेगा? वो पहली बार तो credit देगा ही। अगर कोई बंदा क्रेडिट पे माल लेना चाहता है, वो उसे एप्लीकेशन फॉर्म बनवाएगा, कई बार रेफरेंस भी मांगेगा बैंक का या किसी बंदे का कि मुझे रेफरेंस दो, ताकि अगर आप ना पेमेंट कर पाओ तो मैं उस बंदे से आपके बिहाफ पे पेमेंट मांगू।
वो करने के बाद वो थोड़े से अमाउंट का भी उसको क्रेडिट देगा और जब रेगुलर ट्रांजेक्शन हो जाएगी सब कुछ ठीक होता रहेगा, आगे जाके वो उसको रेगुलर पेमेंट या रेगुलर क्रेडिट पे माल बेच देगा। समझ आया ट्रेड कंट्रोल? नींद तो नहीं आ रही लग रहा है, तुम्हें नींद आ रही है? मैं चलो, जैसे मैंने बताया था सेल्स है वैसे ही हमारा है सेल्स साइकिल, ये भी एग्जैक्टली सेम है, एक बार एक पढ़ लेना बस एक एग्जाम। हाँ हाँ वैसे ही टेक्स्ट और अंडरस्टैंडिंग को ये भी वैसा ही है, नो नीड फॉर डूइंग दिस। अब आगे आते हैं पेरोल सिस्टम, अब ये थोड़ा सा अलग है पेरोल सिस्टम। सो पेरोल सिस्टम के अंदर हम यहां से स्टार्ट करते हैं सीधा सीधा। द मेन स्टेजेस in a payroll system and issue to be considered are as follows. So payroll basically क्या होता है? Payroll is जो भी company में employees काम कर रहे हैं, companies में जितने भी employees काम कर रहे हैं, उनको जो पैसे देने हैं, उनके पैसे का हिसाब रखना, कितने पैसे किसको देने हैं, किसने कितना काम किया है। For example हम मैं wages देता हूँ, wages क्या होते हैं? Per hour कि एक घंटे कितने पैसे मिलेंगे। तो अगर एक बंदा 8 घंटे आया है उसको 8 घंटे के हिसाब से पैसे मिलेंगे। सोचो मेरे कंपनी में कोई सिस्टम नहीं है, आई डोंट फॉलो एनी सिस्टम, तो क्या होगा उस केस में? मैं हर बंदे को 8 घंटे के हिसाब से पैसे दूंगा, बीच में कोई एक घंटा उसने काम नहीं किया, सो गया या घूमने चला गया, फिर भी उसको पैसे मिल रहे। सो वहां मुझे सिस्टम बनाना पड़ेगा। सो दैट इज पेरोलिंग सिस्टम। सो द मेन स्टेजेस इन पेरोलिंग सिस्टम एंड द इश्यूज टू बी कंसीडर्ड आर एज़ फॉलोस। सबसे पहला है आर वर्क रिकॉर्डेड, जितने घंटे कस्टमर ने काम किए वो हमें रिकॉर्ड करना है। सो आर्ली पेड एम्प्लॉयज विल रिकॉर्ड डिटेल ऑफ आवर्स वर्क, दिस इज यूजुअली डन यूजिंग क्लॉक कार्ड, टाइम कार्ड, पंच कार्ड और मैंने मशीन रिकॉर्ड स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम ऑफ वर्क। आवर्स वर्क आर यूजुअली ऑथराइज्ड बाय सुपरवाइजर। अब आवर्स वर्क का और तरीका क्या होता है? फॉरन में क्या होता है, कंपनीज में क्या होता है, वहां पे एक पंचिंग मशीन होती है, व्हेन यू एंटर योर ऑफिस साथ ही पंच मशीन में तुमने हाथ डाला, मतलब इस टाइम पे तुम एंटर किए और जैसे तुम ऑफिस से वो पंच करते ही तुम्हारा वो डोर खुलेगा और नहीं खुलेगा, और जैसे तुम बाहर निकले तुमने पंच करा, मतलब ये वाला पंच नहीं, हाथ लगाया बायोमेट्रिक जैसे आधार कार्ड में चलते वो लगाया तभी दरवाजा खुलेगा। दैट मीन तुम्हारी एंट्री पे लिखा आ रहा है कब इसने एंट्री की कब इसने एग्जिट किया, उसके अकॉर्डिंग डेली को रिकॉर्ड हो जाएगा कि कितने घंटे इसने काम किया। अब उस जगह पे और भी एम्प्लॉयज होते हैं तो तुम सो तो सकते नहीं, तो काम करना ही पड़ेगा, तो वहां से वी कैन ट्रैक कितना काम किया। ऐसी नॉर्मल जगहों पे क्या होता है, वो पेज पे लिखते हैं, जैसे तुमने कभी किसी सोसाइटी के अंदर गए हो, सोसाइटी के अंदर लिखा होता है कि इतने बजे ये बंदा आया, इतने बजे ये बंदा गया, दैट इज जैसे टाइम शीट्स होगी, टाइम कार्ड होगी। कई बार कंपनी वाले तुम्हें कार्ड देते हैं, देखिए काफी सारे कंपनी वाले गले में लेके घूम रहे होते हैं, गले में टंगा होता है कार्ड, वो एक कार्ड होता है जिससे जिससे आप कंपनी में एंटर कर सकते हैं, उससे भी आपको आ जाता है कि ये बंदे का कार्ड है, इस टाइम पे इसने कार्ड पहुंची है, इस टाइम पे इसने एंट्री की है, वो है आवर्स वर्क। इसके बाद आता है ओवरटाइम रिकॉर्डेड। अब सैलरीड एम्प्लॉइज हु मे नॉट बी पेड आवरली रेट, जो बंदे सैलरीड होते हैं कि हर महीने इतनी सैलरी है, उनको घंटों के हिसाब से नहीं मिलती, उनका तो फिक्स है कि एक महीने के 50,000 लाभ भी मिलेंगे। मे रिसीव एडिशनल पे फॉर ओवरटाइम आवर्स, if so they will submit a timesheet with details of the hours worked। मतलब अगर कोई बंदा सैलरी पे है और वो ओवरटाइम काम कर रहा है, उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी वो ओवरटाइम काम कर रहा है उसके लिए हम उसे साइन कराएंगे कि तुमने इतनी देर काम किया। जैसे मैं हूं, टाइम है 9 to 5, ठीक है, और मैं 5 बजे की जगह मैं 8 बजे गया हूं, तो 3 घंटे में एक्स्ट्रा बैठा हूं, वो 3 घंटे की मैं डिटेल दूंगा कि 3 घंटे में मैंने क्या काम किया। ऐसा तो नहीं कर गया तो बेला ही बैठ के सो गया, ओवरटाइम ही नहीं, तो 3 घंटे मैंने एक्स्ट्रा काम किया के वो रिकॉर्ड दूंगा तो कंपनी मेरे को उस चीज का रिइंबर्स कर देगी, मेरे को ओवरटाइम मिल जाएगा। इसके बाद आता है पे रेट्स ऑब्टेन। पे रेट क्या होता है कि हर घंटे कितने पैसे देने हैं या पर आवर देना है, पर मंथ देना है, ये डिसाइड करना है। इफ इट इज अ मैनुअल सिस्टम द पे क्लर्क विल मैनुअली लुक दीज अप, इफ इट इज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम देन कंप्यूटर विल डू सो, कि कौन से बंदे हैं जिनको आवरली रेट पे मिले पैसे मिलेंगे, कौन से बंदे हैं जिनको मंथली पे पैसे मिलेंगे, ठीक है। When pay rates are changed, they must be authorized by a senior manager. ये important point है कि जब भी हमारा pay rate change होता है, किसी बंदे की सैलरी चेंज हुई है, तो सिस्टम में उस चीज को authorize कौन करेगा, senior manager, वो ही confirm करेगा कि इस बंदे की सैलरी चेंज हुई है। सोचो मैंने कंपनी के payroll department का बंदा बढ़ा दिया, दोस्त बना लिया, यार कंपनी के payroll में मेरी सैलरी बढ़ाने क्या दिक्कत है, उसने
क्या किया, रात को गया सिस्टम खोला मेरी सैलरी पैकेज, उसमें 15-20,000 महीने के एक्स्ट्रा डाल दी। अब इतनी बड़ी कंपनी है इसको क्या परवाह किसके बीच में क्या होगा, तो लेकिन उसको ऑथराइजेशन चाहिए थी। अगर यहाँ होता कि वो खुद तो कर नहीं सकता, सीनियर मैनेजर कर नहीं पाएगा ना, वो मेरा दोस्त बनेगा, मैं जूनियर बनता वो सीनियर बनता कहां से दोस्त बनेगा, सो वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके बाद जब पे सब कुछ हो जाता है हमने कि इसको मंथली मिलेगा, इसको पर आप मिलेगा, वो जब डिसाइड हो जाएगा, अब मैं देखूंगा इस महीने उस बंदे को कितने पैसे मिलेंगे, कैसे पता चलेगा, कितने घंटे उसने काम किए, क्या उसका रेट है, उसके हिसाब से देखूंगा कितने पैसे उस बंदे को मिलने चाहिए। इफ कैलकुलेटेड मैनुअली समवन एल्स शुड चेक अ फ्यू ऑफ द ट्रांजैक्शंस, अगर 100 बंदों की सैलरी बंदे ने हाथ से बनाई है तो हम एक बंदे को पकड़ेंगे कि तू मैनुअली चेक कर, रैंडमली 5-6 चेक कर ले कि सही है। ठीक है, उसके बाद डिडक्शंस कैलकुलेटेड, अब जब सैलरीज मिलती है सैलरीज में कुछ इनकम टैक्स की डिडक्शन होती है, वो भी इतने देर में नहीं पड़ेंगे, तो बस पेरोल वाला बंदा देखेगा कि क्या डिडक्शंस ठीक से कैलकुलेट हुई है, अमाउंट जो देना था उसमें से जो पैसे काटे थे वो काटे हैं कि नहीं, वो करने के बाद नेट पे पेड टू एम्प्लॉय एंड में क्या होगा, जो भी एम्प्लॉय की सैलरी थी वो सैलरी उस बंदे को दे दे। तो सिस्टम क्या हुआ, सबसे पहले हमने देखा कि कितने घंटे कैसे रिकॉर्ड करने, ओवरटाइम कैसे रिकॉर्ड करने, कितने बंदों को कितने पैसे मिलेंगे, उसके बाद मैंने देखा कि किसको कितने कितने पैसे मिलने चाहिए, उसकी चेकिंग होगी, जितने पैसे कटने चाहिए थे क्या जिस बंदे ने अगर काम नहीं किया था या कुछ था छुट्टी मारी थी, वो पैसे काटने के बाद जो नेट अमाउंट है वो अमाउंट मैं उनको पे कर दूंगा, दैट इज नेट पेड टू एम्प्लॉयर। क्लियर है गाइस, कोई डाउट है किसी को, दो मिनट पानी पी लो, ज्यादा हो गया। अब उसके बाद इलस्ट्रेशन है, ये सेम में पढ़ लेना, कुछ बोलनी है ज्यादा नहीं है, जो अपने पढ़ा है सारा वही है, ये तो बताया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग भी वही है। अब आ गया कैश सिस्टम, अब हमने सेल सिस्टम देख लिया, परचेज सिस्टम देख लिया, पेरोल सिस्टम देख लिया, नाउ कम्स कैश सिस्टम। सो कैश सिस्टम में होता है रिसीव्ड सिस्टम, पेमेंट सिस्टम एंड पेटी कैश। सो यहां पे कुछ ऐसा प्रोसीजर नहीं है तगड़ा, कुछ वैसे डिटेल्स बताई हैं, तो ये पढ़ते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा। अब सबसे पहले आता है हमारा रिसीट सिस्टम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसीट, पैसे मिले पैसे आने, दैट इज रिसीट। सो रिसीट सिस्टम क्या होगा, चेक्स आर रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, जैसे हमें कस्टमर से चेक आया, दीज आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, द कैशियर देन पेज चेक इन टू कंपनीज बैंक। क्या होगा, जैसे ही कस्टमर कोई चेक हमें देगा, लेट्स से दिस इज द चेक, कस्टमर से चेक आया, ये चेक मैंने पहले अपने पास रखा, अपने पास रखते ही मैंने बुक्स में एंट्री कर ली कि कस्टमर से मुझे चेक आ चुका है, उसके बाद ये चेक मैंने अपने बैंक में डाल दिया कि मेरे बैंक में पैसे आ जाए, ये है रिसीट सिस्टम। सो कंट्रोल्स मस्ट बी इन प्लेस टू एंश्योर दैट द चेक्स कैन नॉट बी मिसअप्रोप्रिएट बिफोर इट इज पेड इन टू द बैंक। अब जैसे मैं एक अकाउंटेंट हूं, मुझे एक चेक आया, तो जो 10 करोड़ का चेक था, बहुत सही है, मैंने कहा अगर 10 करोड़ लेके फरार हो जाऊं तो मेरी तो लाइफ बन जाएगी, बैंक में जमा करा के पैसे, एफडी पे सारी जिंदगी ऐश मार दूं, है ना, ये चीज मैंने सोची। सो क्या हुआ, मैंने उस चेक के पीछे बैंक में जमा कराने की बजाय एंडोर्स का डाल दिया अपने ऊपर, कि वो चेक एंडोर्स हो जाए मेरे पास आ जाए,
तो एंडोर्स का हो गया और मेरे अकाउंट में पैसे आ गए, आई एम अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी, अथॉरिटी है मेरे पास, मैं कर सकता हूँ ये काम, तो मैंने वो चीज कर ली, बट ये गलत है। तो वही मुझे कंट्रोल बनाना पड़ा कि कंट्रोल मस्ट बी इन प्लेस टू एंश्योर दैट चेक्स कैन नॉट बी मिसअप्रोप्रिएटेड बिफोर इट इज पेड इनटू द बैंक। एंडोर्समेंट होता है जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास चेक आया, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सेंडिंग द चेक टू बैंक तुम्हें किसी बंदे को पेमेंट करनी थी, तुम उस चेक के पीछे भी लिख के डिटेल उस बंदे को वो चेक दे दो, तो पैसे डायरेक्टली उस बंदे के अकाउंट में चले जाएंगे, दैट इज एंडोर्समेंट। जैसे 11th में था बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता था, हमारे पास भी आ रहे बीआर में एंडोर्स कर देते वो चीज, ठीक है। सो कंट्रोल्स मस्ट बी इन द प्लेस दैट चेक्स कैन नॉट बी मिसअप्रोप्रिएटेड बिफोर इट इज पेड इन द बैंक। टिपिकल कंट्रोल्स वुड बी टिपिकल, एक सेकंड, एक सेकंड, हेलो, हां सुन रहे, अच्छा चल बात हो गया, टेंशन ना ले, स्कोर कम है कोई बात नहीं, चल बात हो गई मेरे भैया, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ, फिर हम नेक्स्ट वीक से F3 स्टार्ट कर देते हैं, चल ठीक है, ओके कांग्रेचुलेशंस, ओके चलो भाई इसका भी क्लियर हो गया, 70% आए, तो 70 कम थे, मैंने कहा था 90 लाने, बट 70 आए, उसके 87-90 आए, तो इसको थोड़ा ज्यादा लेने, बट सब बीच में गैप काफी ज्यादा हो गया, तो उसके चलो एनीवेज ठीक है, F1 ठीक है, चलो। सो कंट्रोल्स मस्ट बी, ये हो गया सर, टिपिकल कंट्रोल्स वुड बी हैविंग two employees open the mail and listing the checks received and a supervisor checking that all checks received were bank, मतलब दो बंदों ने जो भी चेक की डिटेल आती है वो एक बंदे की जगह दो बंदे मेल चेक करते हैं, ताकि अगर एक बंदा घपला करने का सोचे तो दूसरा बंदा ना करने दे। अब अगर दोनों बंदों ने सोचा घपला करने का, तो इन्होंने बोला कि सुपरवाइजर आएगा जो सारे चेक चेक करेगा कि वो बैंक में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, तो दैट मीन घपला करने की कोई गुंजाइश नहीं बची। इसके बाद Some customers may pay money directly into company's bank account. कई लोग directly bank में पैसे जमा करा रहे हैं। Customers pay directly into the bank. उसको हम बोलते हैं जैसे इंडिया में है NEFT, IMPS, बाहर है BACS and CHAPS system कि directly उनके account में पैसे ट्रांसफर कराते हैं। The cashier should go through the bank statement carefully, enters the detail into cash book and ensure that details are passed to sales ledger section to deduct the amount from customer's balance. इसका मतलब क्या है? तुम सबने BRS पढ़ा होगा? BRS क्या था? Bank reconciliation statement, याद है तुम्हें? Cash book. F3 में है. Bank reconciliation याद है sir? हाँ वो सारा यही तो था कि पैसे आए पैसे नहीं आए. वही है ना pass book cash book. So, इस केस में वो क्या कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अब तुम्हारे अगर किसी कस्टमर ने डायरेक्टली तुम्हारे बैंक में पैसे जमा करा दिए, तुमने उस चीज पे ध्यान नहीं दिया, तुम देखते हो कि कौन से चेक आए और तुमने वो डिटेल कर दी, 5-6 दिन बाद तुमने उस कस्टमर को कॉल करा कि हाँ जी सर पैसे जमा, उसको गुस्सा आ गया कि भाई तू बैंक स्टेटमेंट चेक कर, मैं तो 4 दिन पहले देखो पैसे दे दो, व्हाई यू कॉलिंग मी अगेन एंड अगेन, तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब होती है। तो तुम्हें बहुत केयरफुली अपनी बैंक स्टेटमेंट चेक करनी है कि क्या उसमें पैसे आए कि नहीं आए, अगर उसमें किसी कस्टमर से पैसे आ गए तो उस कस्टमर की डिटेल सेल्स डिपार्टमेंट को दो, ताकि वो कस्टमर का बैलेंस कम कर दे कि इससे पैसे आ चुके, ये है हमारा इसका कंट्रोल। अब आगे आता है हमारा दी पेमेंट सिस्टम, तो ये भी सेम वैसे ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, फटाफट से देखते हैं। कंपनीज पेड या सप्लायर यूजुअली मंथली और बाय चेक, a check requisition is prepared for each payment, it is a form which details the reason why a check is required, a check is prepared and the check requisition and the invoices to be paid will be submitted to senior manager for approval and you have the check signed. मतलब क्या होगा कि check बनाने से पहले, check पे लिखने से पहले तुम reason लिखोगे कि why this check is being prepared, कि टू पे टू द कस्टमर या टू पे टू द सप्लायर, टू पे सम बिल, वो एक डिटेल लिखोगे, रिक्विजिशन बनाओगे हर पेमेंट के। रिक्विजिशन बनाने के बाद तुम वो चेक भरोगे, चेक भरने के बाद वो बिल साफ होगे। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने कुछ परचेज किया था क्रेडिट पे 1 lakh rupees का, यू नीड टू पे द अमाउंट, नॉर्मली तो हम अपने अकाउंट से पे कर देंगे। कंपनीज में क्या होगा, अकाउंटेंट
एक पेज पे लिखेगा कि इस डेट का इनवॉइस था, उसके अगेंस्ट इतनी पेमेंट करनी है, और चेक बना देगा, डिटेल भर देगा, साइन भी करेगा, क्योंकि उसमें अथॉरिटी होती है साइन करने की, और साथ ही वो इनवॉइस रख देगा जिसमें वो डिटेल है। ये तीनों चीजें सीनियर मैनेजर के पास दे देगा, सर ये लो, इसके अंदर क्या है, ये है किस रीजन से मेरे को पेमेंट करनी है, ये उसका इनवॉइस है, और ये मैंने चेक बना दिया, आप सिर्फ चेक को साइन करो। तुमने देखा होगा मूवीज में, काफी कंपनीज में क्या होता है, बड़े बड़े जो लोग होते हैं वो सिर्फ चेक पे साइन कर रहे हो, चेक पे साइन कर रहे हो, पेमेंट रिसीव, पेमेंट रिसीव, वो ये चीज होती है। ठीक है, चेक फॉर लार्ज अमाउंट मनी विल यूजुअली रिक्वायर टू सिग्नेटरीज, ये भी इंपॉर्टेंट ऑफ पॉइंट है कि अगर लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है तो नॉर्मली उसमें दो सिग्नेटरी चाहिए होते हैं कि कंपनी के दो डायरेक्टर साइन करें, अकेले बंदे में वो नहीं चलता। इफ द कंपनी पेज टू इट्स सप्लायर्स थ्रू डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, each transfer should be approved by senior manager. अगर मैं चेक नहीं बना रहा हूं, डायरेक्टली बैंक से ट्रांसफर कर रहा हूं, तो हर ट्रांसफर सीनियर मैनेजर से अप्रूव कराना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट गाइस? कोई डाउट किसी को? छोटा मोटा पक्का? इसके बाद आता है हमारा पेटी कैश सिस्टम। पेटी कैश क्या होता है? छोटे-छोटे खर्चों के लिए जो हम कैश अलग से निकाल के रखते हैं। पेटी कैश रोज रोज के डेली के छोटे मोटे खर्चे, सफाई वाले का खर्चा, चाय का खर्चा, बिस्किट का खर्चा, मिसलेनियस एक्सपेंस। नहीं, मिसलेनियस को हम स्मॉल एक्सपेंस नहीं बोलते, मिसलेनियस कैन बी अ बिग एक्सपेंस जिसके लिए कोई हेड नहीं, ठीक है, लेकिन जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं जो हमें पता है होने होने, जैसे कैब का खर्चा हो यहाँ वहां जाने का, मेरे को यहाँ पे पता है ये मार्कर चाहिए होते हैं छोटे छोटे, सो दीज आर पेटी कैश, छोटे छोटे खर्चे। अब इस कैश का मैं कैसे करूँ, अब जब मैं मार्कर लेने जाऊंगा या सफाई वाला है, मैं उसको चेक तो दे नहीं सकता, ये ले चेक साइन कर ले 10 रुपए का चेक, मुझे उसको कैश ही देना पड़ेगा, है ना। तो पेटी कैश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है संभाल के रखना। सो कंपनीज विल नीड टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश इन हैंड टू पे स्मॉल एक्सपेंसेस सच एज, अच्छा बिस्किट भी लिखा, पोस्ट स्टैम्प, बिस्किट्स, टैक्सी फेयर्स एक्सेट्रा, जो रेगुलर उसको पे करना है। अ चेक विल बी मेड आउट ऑफ कैश टू जनरेट इनिशियल कैश फॉर द सिस्टम, मतलब हम एक चेक से पैसे विड्रॉ कर लेंगे बैंक से कि मुझे इतना कैश अपने पास चाहिए जो रोज मुझे देना है। अ स्टाफ क्लेम अगेंस्ट पेटी कैश सिस्टम, एज स्टाफ क्लेम अगेंस्ट पेटी कैश सिस्टम, दे कंप्लीट अ वाउचर स्टेटिंग व्हाट इज द पेमेंट फॉर एंड अटैच अ रिसीट टू प्रूव द अमाउंट। अब क्या होगा, जब भी हम कोई पेमेंट करेंगे पेटी कैश में, जब भी कोई पेमेंट करेंगे, हम एक ऐसे पर्ची बनाएंगे डेबिट क्रेडिट, यहां लिखेंगे किस रीजन की वजह से हम उसको पैसे दे रहे हैं और कितने पैसे हम उसको दे रहे हैं, और यहां पे उसे साइन करवाएंगे कि ये हमारा डिटेल है इसकी पेमेंट। जैसे क्या होगा, एक वाउचर हो जाएगा, वाउचर, दिस इज कॉल्ड अ वाउचर। क्या हो गया, जो अगर हम ऊपर तो कैश में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं, सब कैश में हो गया। सो यहां पे क्या होगा, लेट्स से नेम अमाउंट तो रोज करवाएंगे, हाँ नहीं, अगर हर रोज पेमेंट दिया, एग्जैक्टली तो रोज का हमारे पास वो होना चाहिए ना, हाँ। कि हमारे पास कितने पैसे जा रहे हैं, क्यों जा रहे, रोज की, अगर हफ्ते में एक बार पेमेंट करें तो एक बार करवाएंगे, मतलब जब उसको पेमेंट करें तब करवाएंगे, यहाँ पे उसे साइन करवाएंगे और ऊपर एक स्टैम्प लगा देंगे 1 रुपए की वैसी कंफर्मेशन के लिए। तो ये होता है हमारा वाउचर जो हम उसे साइन करवाएंगे। एट रेगुलर इंटरवल्स अ फर्दर चेक इज मेड आउट ऑफ कैश टू रिप्लेनिश द पेटी कैश व्हिच हैज बीन स्पेंट। For example, starting में डे की यू हैड $1,000, आज के दिन में तुमने $650 का एक्सपेंस कर दिया, तो यू लेफ्ट विद ओनली $350। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, तुम दोबारा से $650 एड करके दोबारा से $1,000 अपने मेंटेन कर लोगे, दिस इज पेटी कैश, और इसको बोलते थे इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश। तो अभी जब F3 पढ़ेंगे वहां भी क्लियर हो जाएगा। अभी जिन केस का मतलब क्या है कि जब तुम्हारे पास कैश कम हो जाता है तो कंपनी कैश निकाल के वो जो लिमिट हमने बनाई थी उतना कैश मेंटेन कर लेती है। ठीक है, इसके बाद एलएसएस नंबर 3 ये भी पढ़ लेगा। अब इसके बाद आता है इन्वेंटरी सिस्टम। तो गाइस 2 मिनट फटाफट से पुराना रिवाइज कर लो, फिर हम पढ़ते हैं इन्वेंटरी सिस्टम। जस्ट 2 मिनट फिर पढ़ो। हेलो,
क्या हो गया जी भाई बड़े आगे हाँ कृष्ण जब हमारा इन्वेंट्री
इन्वेंट्री स्टॉक जो है वो कम हो गया, वो ऑटोमेटिकली परचेज के ऑर्डर डालते हैं। बहुत ऑटोमेटिक सिस्टम ऐसे होते हैं कंपनी से। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मुझे हर बार मतलब मेरे पास 1000 मीटर कपड़ा होना ही चाहिए, कभी भी ऑर्डर आता है। सो एक ऑर्डर मेरे पास आया और मेरे पास 700 मीटर कपड़ा रह गया, तो सिस्टम कंप्यूटर ऑटोमेटिकली 300 मीटर का इन्वॉइस बना के भेज देगा कि इतना माल मेरे को और चाहिए। ऑटोमेटिकली द गुड्स आर रिसीव्ड एंड स्टोर्ड इन रॉ मटेरियल स्टोर, जैसे ही रॉ मटेरियल आया वो स्टोर में सेव कर लिया। When goods are required for production, the production manager completes a material acquisition form and gets the goods from store. जैसे ही हमें production वाले की तरफ क्या हो गया? जैसे ही हमें production वाले का order आया, हमने raw material वहाँ से निकाल के production में use कर लिया। The goods are then made into work in progress, partially complete goods and eventually finished goods. The length of this process depends upon the type of item being produced, कुछ खास नहीं। When the goods are sold, a record must be made of the quality removed from it, quantity removed from the inventory. कितना माल हमारा गया है? At the year end, all में क्या क्या आएगा? Raw material, WIP, finished goods, inventory will be counted and valued so that statement of our execution यानी balance sheet हम बना सके, जहाँ पे हम लिखें अपना valuation of closing stock, कितना closing stock हमारे पास पड़ा होगा। तो कभी ये मत सोचना है एक्चुअली कि तुम्हें बहुत डिटेल में सारे स्टेप्स पढ़ने, इट जस्ट लाइक तुम्हें पता होना चाहिए क्या है। क्लियर है गाइस? ये पढ़ लेना है सेशन, कुछ खास नहीं है। अब आते हैं व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल। कंट्रोल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है सेवन पर्पस। अगर मैं ये सिस्टम बना रहा हूं और सिस्टम में कुछ कंट्रोल्स डाल रहा हूं, कंट्रोल मतलब चीज को कंट्रोल रखना, चीज को मैनेज करना, तो why control is required? जैसे मैं तुम्हारे को पढ़ा रहा हूं, मैं तुम पे control रख रहा हूं कि तुम शैतानी ना करो, बातें ना करो। Why it is required? So सबसे पहला purpose, safeguarding, safeguards companies asset. पहला क्या होता है? Companies के asset को safeguard करना। क्यों? Why it is important? If assets are stolen or damaged, the company will have to spend money on replacing them. So मेरे को सारे control रखना पड़ेगा अपने asset का। जितने भी मैंने एसेट्स हैं कंपनी के, उस पे कंट्रोल होना पड़ेगा। एक एसेट रजिस्टर बनाऊंगा, जैसे उन्होंने बनाया हुआ इन्होंने एओसी वालों ने, कि हमारे पास कितनी कुर्सियां हैं, नीचे कितनी है, ऊपर कितनी है, कितने टेबल हैं, कितने प्रोजेक्टर हैं, कितने एसी हैं, क्या क्या कहां कहां लगा हुआ, ताकि ऐसा ना हो कोई बच्चा चेयर गायब कर ले, कोई ट्यूबलाइट लेके जा रहे, कोई पता लगा प्रोजेक्टर गायब कर ले, मेरे को पता लगा मैं कैमरे उठा के लेके, और कल को मैं बोलूं कैमरे तो आपके पास। सो एक प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ है। इसके बाद है एफिशिएंसी। Inefficient business practices are waste of company money. Efficiency मतलब कि हम resources को optimum use कर रहे हैं। लिख लो यहाँ पे। Efficiency means optimum utilization of resources. Optimum utilization of resources. So वो मैं optimum utilize कर रहा हूँ। उसके बाद prevent fraud. Fraud means the loss of valuable resources belonging to company. So अगर हम ये control रख रहे हैं तो मैं fraud को भी prevent कर रहा हूं। और last आएगा prevent errors, कि अगर मैं हर चीज पे control रख रहा हूं तो गलतियां भी मेरी कम हो रही हैं, chances गलती के बहुत कम हो जाएंगे। ये होते हैं reasons why controls are in the system. This ties with the corporate governance which is covered elsewhere in this workbook. अच्छा इनको भी पता कहां कवर, हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी ना कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, याद है कब पढ़ी थी लास्ट क्लास कॉर्पोरेट गवर्नेंस की थी ना, तुम भी थे? हाँ हाँ बोले जा रहे हो, पढ़ा से पूछ लेना और सारे ना चैप्टर 10 वाला तुमने नहीं पढ़ा, मुझे इनको एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैं वही देख रहा था नहीं और पढ़ा था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तुमने बहुत थोड़ा सा पढ़ा है लेकिन एक्चुअली जो पूरा चैप्टर है वो मैंने F3 में पढ़ा हुआ थोड़ा सा, लेकिन मैं को मैंने पूरा चैप्टर कराया, मैं वही कह रहा हूं इस बुक में कौन सा चैप्टर है। चलो एनीवेज ठीक है, the directors are required to introduce good system of control to safeguard company's assets and protect shareholders investment. ये control होगा तो क्या होगा, company के assets safe रहेंगे और shareholders जिन्होंने पैसा लगाया वो भी safe रहेंगे। इसके बाद आता है the purpose of organizational control, ये same वही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ी है, डिटेल में है तो इसको तुम पढ़ लेना एक बार ठीक है, नहीं समझ आया मैं पूछना, सेम वही चीज है जो हमने ऊपर पढ़ी है और सेम उसकी इलस्ट्रेशन है।
इसके बाद आता है व्हाई कंट्रोल्स इन सिस्टम आर इंपॉर्टेंट. अभी तो हमने देखा कि कंट्रोल भी इंपॉर्टेंट होता है. अब आता है व्हाई कंट्रोल्स इन सिस्टम आर इंपॉर्टेंट. सो हालांकि है कुछ नहीं इसमें, वो सारे परचेजिंग के जो स्टेप्स थे, सेल्स के स्टेप्स थे, वही बता रहा हूं. एक बार पढ़ लेते हैं फटाफट से. कंट्रोल्स आर इंपॉर्टेंट इन ऑल द सिस्टम्स फॉर सम गिवन रीजंस. द स्पेसिफिक इश्यूज इन द सिस्टम्स वी हैव मेंशन आर एज फॉलोस. सबसे पहला है परचेजिंग, सेफगार्ड कंपनीज एसेट. इससे क्या होगा, एंश्योरिंग दैट ओनली गुड्स दैट हैव बीन रिसीव्ड आर पेड फॉर. जितना गुड्स आए उतने ही पैसे दे रहे, एक्स्ट्रा पैसे नहीं दे रहे. एंश्योरिंग दैट जो भी हम गुड्स दे रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में हो. एफिशिएंसी क्या होगी, एंश्योरिंग दैट बेस्ट प्राइसेस इज नेगोशिएटेड बिफोर बाइंग. कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं कि बेस्ट प्राइस में हमने महंगा माल नहीं परचेज कर रहे. फ्रॉड कैसे बचेगा, प्रिवेंटिंग परचेजिंग स्टाफ एक्सेप्टिंग पेमेंट फॉर सप्लायर टू परस्यूड देम. अब ये क्या है, प्रिवेंटिंग परचेजिंग स्टाफ accepting payment from suppliers to persuade them to purchase from their supplier. जैसे कंपनी ने क्या किया, कंपनी के सप्लायर ने या कंपनी के एम्प्लॉय ने क्या किया, एक सप्लायर से रिश्वत ले ली कि कंपनी में जो भी परचेज हुई तो टेंशन आने में कैसे करवा दो. वो चीज हमें बचानी, हमें quotations लेनी. अब ये नहीं है सोचो परचेज करनी है, मैं बोलूंगा यार उस बंदे से ले लो, वो बंदा सही है. जैसे डॉक्टर्स बोलते हैं, डॉक्टर्स की बात दवाई के लोग, कई डॉक्टर्स बोलते हैं कि उस केमिस्ट से ले लो, उसके पास सारी दवाइयां अवेलेबल होती है. इसका मतलब ये नहीं वो केमिस्ट बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये कि बीच में सेटिंग होती है, पैसे मिल जाओ. वो चीज नहीं करनी. प्रिवेंट एरर्स, एंश्योरिंग दैट द करेक्ट अमाउंट इज चार्ज बाय सप्लायर, एंश्योरिंग दैट ऑल परचेजेस आर रिकॉर्डेड. सिंपल, ठीक है. ऐसे ही सेल्स का है, ये पढ़ लेना, कुछ ऐसा स्पेसिफिक नहीं है डिटेल में पढ़ाने का, तो मैं ऑलरेडी सारा पढ़ा चुका हूं, बस इसी को एक्सटेंड किया हो. इस चैप्टर में बहुत बहुत ज्यादा चीजें सारी एक्सचेंज की हुई है, सो एक बार पढ़ लेना बस, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है, समझ आ जाएगा. साथ में आगे इलस्ट्रेशन है, ये भी सेम वही है, अंडरस्टैंडिंग है, ये भी सेम है भाई. अब यहां से स्टार्ट करते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम. ऑटोमेटेड सिस्टम क्या होता है बताओ. जैसे मैंने बताया था कि ऑटोमेटिक सिस्टम, जैसे कंपनी में अगर सेल्स इन्वेंटरी कम है वो ऑटोमेटिकली परचेज कर देगा. गुड, ऐसे होते हैं ऑटोमेटेड सिस्टम. अब नॉर्मली क्या होता है, ऐसे सिस्टम बहुत ज्यादा होते हैं कंपनी में, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं. जैसे मैं बोलूं टैली, टैली इज ऑल्सो एन ऑटोमेटिक सिस्टम. तुम सिर्फ एंट्री करो, वो सारी रिपोर्ट अपने आप बना देगा, दैट इज ऑल्सो ऑटोमेटेड. ठीक है, सो automated systems are nowadays used by most organizations with the exception of a very small firm. choti choti firms hoti hai wo to khud hi apna kaam karte hai, wo itne mehenge mehenge systems purchase karte hai. large companies will have accounting softwares especially written for them. jo sirf unke liye system bane hai, matlab agar maine koi automated software sirf apne liye banaya hai usko main bolunga bespoke system. bespoke system matlab सिर्फ मेरे लिए बनाई, ये मैंने अपने लिए स्पेसिफिक बनवाया, दैट इज बीस्पोक सिस्टम. वेयर एज स्मॉलर कंपनी विल परचेज अ स्टैंडर्डाइज्ड अकाउंटिंग पैकेज दैट हैज बीन रिटन टू सूट एनी कंपनी, दैट इज ऑफ द शेल्फ पैकेज. सो बीस्पोक सिस्टम क्या होता है, स्पेसिफिक, और ये होता है जनरल. नॉर्मली जैसे टैली है, टैली, अच्छा राशि टैली क्या होगा, बीस्पोक या ऑफ द शेल्फ पैकेज. ऑफ द शेल्फ पैकेज कोई भी टैली यूज कर सकते हैं, जैसे विंडोज है, अब विंडोज सब यूज कर सकते हैं, तो दैट इज ऑफ द शेल्फ पैकेज. कई कंपनीज बायोस सिस्टम यूज करती है, स्पेसिफिक बायोस सिस्टम होता है उनका, उसमें विंडोज नहीं होती, उनका बायोस सिस्टम चलता है, वो उनका स्पेसिफिक सिस्टम है. वेरी स्टोर फ्रॉम यूजर फ्रेंडली ऑफ द शेल्फ पैकेज, नहीं ये भी यूजर फ्रेंडली होता है, ऐसा नहीं है, बट कई कंपनीज कहती हैं हम अपना अलग सिस्टम बनाएंगे क्योंकि उनको उनके तरीके कुछ अलग होंगे, इसमें स्टैंडर्ड में हो सकता है वो तरीके ना और होते, तो वो अलग से बनाते हैं. सो ऐसा नहीं है कि आसान है, हो सकता है भी मुश्किल हो. अब टैली जिसको आता है उसके लिए आसान है, जिसको नहीं आता उसके लिए मुश्किल ही. ठीक है, सो दैट इज बीस्पोक सिस्टम एंड ऑफ द शेल्फ सिस्टम. इसके बाद तुम्हारा आता है ऑटोमेटिक सिस्टम शो द फॉलोइंग फीचर्स. इसे क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑटोमेटिक सिस्टम के, पहला होता है यूनिफॉर्म प्रोसेसिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब सारी ट्रांजेक्शन एक ही तरीके से रिकॉर्ड होती है, ऐसा नहीं है कि वो अलग हो रही है वो अलग हो रही है. ऑटोमेटेड सिस्टम
सिस्टम में तुम एंट्री करोगे वो ऑटोमेटिकली सेम तरीके से प्रोसेस होगी। लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन, अब ये क्या होता है, वन पर्सन इज द कंपनी, द आईटी मैनेजर हैज लॉट ऑफ पावर एज ही शी कैन एक्सेस ऑल द डेटा ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी एक सिस्टम फॉलो करती है और एक बंदे के पास जो आईटी वाला बंदा होता है जिसको कंप्यूटर का बंदा रखा जाता है उसके पास नॉर्मली हर चीज का एक्सेस होता है, तो मतलब उस बंदे के पास बहुत ज्यादा एक्सेस है, वो कुछ भी चेक कर सकता है, दैट इज लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ फंक्शन। कि मैं ये नहीं कर सकता उस सिस्टम के अंदर कि ये वाला बंदा सिर्फ इतना ही देख पाएगा, ये वाला बंदा सिर्फ इतना ही देख पाएगा, ये वाला बंदा सिर्फ इतना ही देख पाएगा, ये मैं नहीं कर सकता, हर एक के पास पूरा पूरा एक्सेस होगा। उसके बाद पोटेंशियल फॉर डेटा टू बी करप्टेड इजिली, एंड इन एक्सपर्ट ऑपरेटर कुड एक्सीडेंटली करप्ट द डेटा, कंप्यूटर्स फाइल कैन बिकम करप्टेड बाय देयर ओन, ऑल्टरनेटिवली यूजर में इनपुट डेटा करेक्टली। अब क्या हो सकता है अगर हम ऑटोमेटेड सिस्टम फॉलो कर रहे हैं उसमें क्या गलती हो सकती है, हो सकता है मैं एंट्री गलत कर दूं तो उससे सारा डेटा गलत हो जाएगा, हो सकता है मैंने एंट्री कर दी करते करते लाइट चली गई करप्ट हो जाएगा, या फिर हो सकता है कि मैं कुछ पंगे ले रहा था सिस्टम से और वो सिस्टम फूक गया, तो दैट इज डेटा कैन बी करप्टेड इजीली। उसके बाद पोटेंशियल फॉर इंक्रीज मैनेजमेंट सुपरविजन, अ मैनेजमेंट कैन मॉनिटर द एक्टिविटीज ऑफ सबॉर्डिनेट्स इजीली, एक्सेप्शन रिपोर्ट्स कैन बी यूज्ड टू हाइलाइटिंग अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अब तुम सब उस चीज में एंट्री कर रहे हो टैली, मेरे पास सबका एक्सेस है, मैंने यहां से बैठ के देखा कि यार रुफुस कुछ गड़बड़ कर रहा है, उसके एंट्रीज ठीक से आ नहीं रही है, ठीक से मैच नहीं कर पा रही, दैट मींस मैं फटाफट से रुफुस को चेक कर सकता हूं कि वो क्या गलतियां कर रहा है, दैट इज इंक्रीज मैनेजमेंट सुपरविजन, कि मैं ठीक से मैं सारी गलतियां बंदे की पकड़ सकता हूं। ठीक है, ये है हमारा एक ऑटोमेटिक सिस्टम के क्या फीचर्स होते हैं। The records maintained under manual and automated system are similar, but the use of automated system allows the data to be analyzed in different variety of ways. अब तुम अगर tally कर रहे हो, तुम अगर हाथ से accounts कर रहे हो, तुम balance sheet बनाओगे, लेकिन अगर तुम system में डाल रहे हो, एक तो balance sheet जल्दी बन रही है, तुम उसमें और भी कुछ चीजें add कर सकते हो, और भी नए features तुम करके दे सकते हो, नई reports दे सकते हो, जो हाथ से तुम्हें बनानी पड़ेगी। ठीक है? For example, it would be very time consuming to produce a report showing how long customer owed money under manual system but very quick in automated system. अब अगर मुझे देखना है मेरे 1000 debtors हैं जिनसे पैसे आ गए, कितने? 1000. अब मुझे अगर देखना है कि किससे कितना टाइम हो गया पैसे आए हो, तो हर एक का अकाउंट खोलूंगा, अकाउंट खोल के देखूंगा कितनी देर बाद कितना टाइम हो गया इससे पैसे आए हो, तो मुझे कितना टाइम लग जाएगा उस 1000 की लिस्ट बनाने में, और गलतियां भी हो सकती हैं सिस्टम के अंदर, एक सेकंड के अंदर आ गया, क्लिक करूंगा लिस्ट आ जाएगी बनके, है ना, वो चीज है। अब ये सेशन है, ये पढ़ लेना, अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अब आता है अ कंपैरिजन ऑफ मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, कि हाउ कैन वी कंपेयर मैनुअल सिस्टम एंड ऑटोमेटेड सिस्टम। मैनुअल एंड ऑटोमेटेड सिस्टम बोथ हैव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं मैनुअल सिस्टम के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है। So, manual system क्या होता है? Advantage, low capital cost, इसमें softwares, computers का ज़्यादा खर्चा नहीं होता, so investment कम होती है, salary देनी होती है, लेकिन एक बंदे को salary देना computer में बहुत फर्क पड़ता है। अगर computer रखा होगा उसमें भी तो बंदा रखेंगे जो एंट्री कर रहा होगा, उसको भी तो salary देनी पड़ेगी, electricity cost वो भी बढ़ जाएगी, तो basically capital cost होती है one time investment। तो मुझे कंप्यूटर्स नहीं परचेज करने पड़ेंगे, दैट इज लो कैपिटल कॉस्ट। अब तू बोलेगा सर रजिस्टर भी तो नहीं है, रजिस्टर में और कंप्यूटर से कितना फर्क होगा ना, वो चीज। इसके बाद आता है नो कंप्यूटर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, मैनुअल के अंदर कोई कंप्यूटर एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, इजी टू करेक्ट एरर, एग्जांपल वाइपिंग फ्लूइड, गलती हुई फ्लूइड लगा दी सिस्टम में तो कर नहीं सकते, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा, इसमें तो गलती हुई फ्लूइड लगा दी, चलो ठीक है। लेजर्स आर पोर्टेबल, पोर्टेबल लेजर मतलब बना के जेब में ले जाओ खा के। उसके बाद कैन रिव्यू ट्रांजैक्शंस फॉर लॉजिकल सेल्स व्हाइल एंटरिंग और परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, जब भी हम टोटलिंग करेंगे यार लास्ट में दो बार फाइव आ रहा है तो टोटल तो जीरो ही हो सकता है, लेकिन यहां नाइन कैसे आ रहा है, तो दैट इज हम लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑटोमेटिक सिस्टम है वहां तो लॉजिक ले गए सब कुछ अपने आप होगा, ये चीज। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, slower and performing calculations, next most likely to make calculation error, galti hai sabhi se kare 12th mein sabne galti kari na calculation error,
एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन इज मोर टाइम कंज्यूमिंग, कि पूरा डेटा एनालाइज करना कैसे कैसे बनाया है, क्या क्या रिपोर्ट है, वो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। अब इतने सारे रिजल्ट हो गए, सारे देखने पड़ेंगे कितना टाइम लगेगा। लेस इजी टू ऑडिट, जो बंदा चेक करने आएगा उसको, अब सोचो तुमने किसी की बुक्स चेक करनी है, उसने 100 का प्रूफ लगाया हुआ, कितनी क्या पता कितनी गलतियां उसने करी, तो नॉट इजी फॉर चेकिंग। अब आता है ऑटोमेटेड सिस्टम। ऑटोमेटेड सिस्टम के फायदे क्या होंगे? क्विकर कैन परफॉर्म मोर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, फ्यूअर एरर्स, मोर सिक्योरिटी या पासवर्ड लगा लेंगे, एंड इजियर टू सॉर्ट एंड एनालिसिस डाटा, एनालाइज डाटा। डिसएडवांटेज, कैपिटल कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, लेस इजी टू करेक्ट एरर, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करना पड़ेगा हमें, और सिस्टम कैन क्रैश, ये सिस्टम खराब हो सकता है। ये है ऑटोमेटेड सिस्टम के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये डिटेल में बताया हुआ है, पढ़ लेना, ये वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों के डिटेल में बताया हुआ है, और यहां तुम्हारा चैप्टर खत्म। ठीक है, फटाफट से इसके क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग 9 से करो फटाफट। कस्टमर को सिनेमा दिया होता है।
उसको भेजते हैं। उसी के बाद कुछ देते हैं कुछ नहीं, इससे पहले कुछ कौन करता है? जब गुड्स बंदे को पहुंच जाएंगे और कंफर्म करेगा कौन सा है सारे सही हैं, तब हम उसको बिल देते। तुम्हें खानदान से पहले भी लगा खानदान के पास Thank you.
तो चेकअप करा लेंगे। चलो गाइस लेट्स स्टार्ट टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9। सर मैं चेक कर लिया सारे थे। हां जी दो थे मेरे सारे से। तो एक बार चेक करते हैं सबका चेक करते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 का है सी। किसका गलत है? You are given the following extract. The clerk multiplies the hour work by hourly rate to determine gross pay. ये procedure वन तरीका कैसे करते हैं? इसी तरीका हम कहाँ से करते हैं? चलो understanding 10 का आंसर क्या था? To ensure that customer sign to accept the सब कर देंगे। 11 का B। हाँ चलो ए इज ट्राइंग टू डिजाइन अ सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर्स फ्रॉम कस्टमर यानी सेल्स के कर रहे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइकली टू बी ऑब्जेक्टिव ऑफ द सिस्टम। बेसिकली सेल्स का कौन सा इस सिस्टम नहीं होगा? टू एंश्योर दैट ऑर्डर्स आर प्रोसेस्ड प्रॉम्प्टली ये तो होगा जरा। नेक्स्ट टू एंश्योर दैट गुड्स आर ओनली डिस्पैच टू कस्टमर हु लाइकली टू पे। कहाँ है तो ओनली तो है सही बात है। उसी को देंगे ना जो पैसे दे सकते हैं। उसी को देंगे जो पैसे दे सकते हैं। नहीं सर क्रेडिट कार्ड तो दे सकते हैं। नहीं लाइकली टू पे मतलब जिस बंदे की कैपेसिटी है देने की हम उसी को देंगे। अब ये नहीं हर जगह ओनली आएगा तो वो गलत लॉजिक से जो देखो क्रेडिट पे नहीं दे सकते। नहीं ए क्रेडिट पे नहीं है। लॉजिक क्या है? टू एंश्योर दैट गुड्स आर ओनली डिस्पैच टू कस्टमर्स हु आर लाइकली टू पे मतलब वो टाइम पे पैसे दे सके। चाहे क्रेडिट पे नहीं लेकिन वो पैसे दे सके। अगर कोई है जो पैसे नहीं दे सकता उसको गुड्स जाए नहीं। तीसरा टू एंश्योर दैट ऑल ऑर्डर्स आर रिकॉर्डेड। अब और ये भी होता है सेल में सारे ऑर्डर्स रिकॉर्ड हो। टू एंश्योर दैट कस्टमर साइन टू एक्सेप्ट द गुड्स। अब वो तो कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर मान लो कस्टमर ने गुड एक्सेप्ट नहीं करे तो टू एंश्योर दैट कस्टमर साइन टू एक्सेप्ट द गुड्स। ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी हमारा होता। हमारा सेल सिस्टम बनाने का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि कस्टमर साइन करे। ये तो सिस्टम का पार्ट है कि बाद में जाके कस्टमर जब एक्सेप्ट कर देगा हम उसको इनवॉइस भेजेंगे लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं है। ठीक है 11 विच अच्छा 11 का आंसर है बी। सबका सही है ये भी गलत नहीं हो सही है ये गलत। अच्छा ये गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज इन अ परचेज सिस्टम। रिसीट ऑफ गुड्स ये तो कैसे रिसीट ऑफ गुड्स तो हमारे को आएगा। रिसीट ऑफ कैश कैश तो सेल्स में आता है। परचेज में तो हम पैसे देते हैं तो इसलिए नहीं है। प्लेसिंग द ऑर्डर ऑब्वियसली ऑर्डर हमारा उसमें होगा। मैचिंग इनवॉइस विद ऑर्डर एंड गुड रिसीट नोट्स ये भी सही है। अंडरस्टैंडिंग 12 का है सी। किसका गलत है? काफी गलत है चेक करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अर्लीएस्ट earliest in the sale cycle of company selling goods on credit to wholesaler ke sabse pehle kya hoga? Receipt of payment ye to ho nahi sakta. Dispatch of goods ye bhi nahi ho sakta. Receipt of order sabse pehle to order aayega. Sabse pehle customer se order aayega. Order aane ke baad hum goods bhejenge. Goods bhejne ke baad usko invoice bhejenge. Invoice bhejne ke baad hame paise aayenge. तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमारा? रिसीट ऑफ ऑर्डर। समझ आया? अंडरस्टैंडिंग 13 ये तो डी ये भी हो गया। इसका डी है सबका। किसका गलत है बताओ? तेरा कितने गलत है? चलो देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेजेस इन इन्वेंटरी कंट्रोल सिस्टम। व्हाट ऑर्डर विल दीज स्टेज यूजुअली बी परफॉर्म? रेक्विजिशन सबसे पहला है ट्रांसफर टू वेयरहाउस। रेक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल ईयर एंड इन्वेंटरी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले आएगा रेक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल कि हमें सामान चाहिए क्या। उसके बाद वो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद हम उसको ट्रांसफर करेंगे वेयर हाउस में। और वेयर हाउस में ट्रांसफर करने के बाद जो एंड का होगा कि ईयर एंड पे हम स्टॉक चेक करेंगे। सो बेसिकली जब तुम्हें पता है ये ईयर एंड कब होता है लास्ट में तो ये फोर्थ पॉइंट होगा थर्ड का फोर्थ। सो यानी दिस इज द लास्ट स्टेप थर्ड। तो थर्ड लास्ट कहां पे आ रहा है? ए में और डी में। तो बी और सी तो वैसे ही कटेंगे बचा ए और डी। ठीक है अब ए और डी में इसमें ना एक तरीका होता है मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे ये दोनों तो वैसे ही कटेंगे है ना
उसमें एक सिस्टम होता है, तरीका होता है करने का, शॉर्टकट। देखो इसमें फर्स्ट आ रहा वन, बाकी सब में टू आ रहा है, तो लाइकली टू ही पहला आंसर होगा। तो इसे उसका आंसर आ गया ठीक। और वरना वैसे भी चेक कर लो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में से भी ट्रांसफर दे रहा हूं तो कैन भी फर्स्ट हो ही नहीं सकता जब तक परचेज नहीं करेंगे, ट्रांसफर कैसे होगा। तो ये कैन नॉट बी द फर्स्ट है, तो देयर आर नॉट वेज टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग 14 का ए किस किस का लगा था बोलो, कोई बात नहीं घबरा कर। विच ऑफ दीज कंट्रोल रिलेट्स टू परचेजिंग, कि जो गुड्स हमें आए हमें इनवॉइस से चेक करना कि सही आए कि नहीं। जैसे मैं तुम्हें अपना वॉलमार्ट वाला एग्जांपल दिया था, तो वो परचेज में ही होगा। चेकिंग क्रेडिट वर्थिनेस ये होता है सेल्स में कि बंदा टाइम पे पैसे दे पाएगा कि नहीं। ऑथराइजिंग टाइम शीट्स ये तो पेरोल से रिलेटेड होता है। कीपिंग द फिनिश्ड गुड्स इन द वेयरहाउस की इन्वेंटरी है, तो हमारा फर्स्ट वाला आएगा परचेजिंग सिस्टम। 15 का आंसर है डी, इसका गलत है मैक का और सही है? ये सही है गलत है? गलत है? सही है। 15 का क्या है? Which of these controls relates to sales system? Matching cash payment, payment तो purchase में होती है, payment तो purchase में होती है, तो matching cash received to invoice sent, तो ये हमारा होगा D, बाकी को देखने की जरूरत नहीं। 16 का C? चलो 16 देखते हैं। Which of the following is not a feature of automated system? Not a feature of automated system. तो uniform processing of transaction ये तो feature होता है। Lack of segregation of function ये भी उसका feature है, क्योंकि हम function segregate नहीं कर सकते कि किसको कितनी authority देनी है। Reduced chance of data corruption नहीं, बल्कि data corruption का chance तो high होता है, क्योंकि सिस्टम है डेटा करप्ट हो सकता है। पोटेंशियल फॉर इंक्रीज मैनेजमेंट सुपरविजन ये भी है, तो इसका आंसर आएगा सी। 7 का आंसर क्या है? ट्रू, सबने ट्रू करा है। 18 का बी, किसी का गलत है? 18 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम फीचर्स, लो कैपिटल कॉस्ट, लेस पोटेंशियल फॉर एरर्स, इंप्रूव सिक्योरिटी एंड रिस्क। इसमें से ऑटोमेटेड सिस्टम के फीचर्स कौन से हैं? लो कैपिटल कॉस्ट, ये तो गलत है, क्योंकि लो कैपिटल कॉस्ट क्या होती है? एक पैसा कम लगेगा, वो तो मैनुअल होता है। तो पहला कटेगा, दैट मींस ये गलत और ये गलत, बचा बी और डी। तो लेस पोटेंशियल फॉर एरर्स, हां इसमें एरर्स कम होते हैं, तो ये सही है। इंप्रूव सिक्योरिटी, ये भी पॉइंट होता है। ट्रांजैक्शन से इजीली रिव्यूड फॉर लॉजिकल सेंस, ये गलत है। सो आंसर इज 2 एंड और ये चैप्टर तुम्हारा कल। आज अपन ने बहुत कुछ सीख लिया, आज ध्यान दो। और किसकी गलतियां, कितने 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 क्वेश्चन सबके गलत सही हुए? मेरे दो तो जवाब। चलो तो गाइस, अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन तुम घर से कराना एग्जाम किट से, ठीक है? कल है ना सर क्लास? हाँ कल की क्लास तुम्हारी नहीं, कल अब तुम्हारा टाइम चेंज हो रहा है। तुम्हारा टाइम मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे में कर रहा हूँ, फ्रॉम 12:30 टू 2:30। हाँ आ जाएंगे सारे 12:30 टू 2:30 में सारे आ सकते हैं, क्योंकि मेरे को दो तीन बच्चों ने बोला कि सर चक्कर ये है कि सुबह सुबह धूप होती है, सर्दियों का टाइम है ना, धूप बहुत ज्यादा होती है, तो मैंने फिर टाइमिंग थोड़ा सा चेंज किया। मंडे मैं लिख देता हूँ, सारे नोट कर लो, स्कूल में जाना। अब तुम्हारी क्लास होगी हर मंडे, कल तो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 टू 2:30, ये तुम्हारा नेक्स्ट वीक से शेड्यूल फिक्स रहेगा। आ जाओ सर, कल तो 11 सही है ना? नहीं कल तुम्हारी ये 12 बजे टाइम होगा, तो मैं मैसेज कर दे गाइस को, डाउट किसी को पक्का, ठीक है? और एक चीज और, अब महक का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीक महक की भी एग्जाम, बाकी जो बचे बचे हैं अब तुम्हारे चैप्टर स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। सेकंड तक हमने करा था सर, थर्ड भी हो गया था, थर्ड भी हो गया था, चलो फोर्थ से स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? अब हमारे फोर्थ से जो चैप्टर्स आएंगे वो सारे हम करेंगे। टारगेट है बाय 25 जनवरी और 30 जनवरी सिलेबस कंप्लीट करना, और 5 फरवरी तक तुम्हारा एग्जाम करना, और नेक्स्ट वीक
मैं तुम्हें बता दूंगा, मैं एफ वन भी स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर एफ वन जैसे तुमने करना है, ठीक है, तुमने एफ वन का एक बार एफ थ्री सॉरी एफ थ्री तुमने करना है, तुमने करना है एफ वन स्टार्ट होते करते ना, ठीक है, एफ थ्री भी स्टार्ट हो जाएगा, एफ वन भी स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन हर रोज आ जाएगा, अप डाउन कर सकते हैं पहले एफ वन कर लेंगे, ठीक है, ऐसे करते कोई बात नहीं, तूने करने बाकी को दो बच्चे हैं उनका भी है, तो एफ थ्री में स्टार्ट करूंगा, ठीक है, सो मंडे से तुम्हारा टाइमिंग रहेगा, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 12:30 to 2 टू तक, चलो गाइस आज क्लास करता हूं, तो एफ थ्री आप यूज इन करते स्टार्ट करोगे, ठीक है, वो टाइमिंग मैं बता दूंगा, एफ थ्री मैंने भी दूसरे बच्चों से भी कंफर्म करना है, वो टाइमिंग बता दूंगा, ठीक है, चलो गाइस जो क्लास करोगे तो सी यू टुमारो, टाइम इज वैसे तो बहुत है, क्वेश्चन प्लीज कराना इस चैप्टर के, और जिन्होंने टेंथ के भी नहीं करे वो टेंथ रिवाइज करके सारे क्वेश्चन कराए।